वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अप। मेरा नाम है कीर्ति और आज की क्लास में हम पूरे टोटल 1000 एमसीक्यूज जो कि आपके इम्पोर्टेंट गोल्डन एमसीक्यूज माने जाएंगे एग्जाम के लिए, 100% चांस रहेंगे आपके इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें, और जो भी लोग स्पेशली जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं वो मोस्टली जो क्लासेस का टाइम है तो इवनिंग में रहता है, अर्ली मॉर्निंग रहता है, बट यहाँ पर जो आज की क्लास है वो थोड़ी लंबी चलेगी, तो इवन इनके प्रीमियर भी सेट किया जाएगा, तो आपका एटलीस्ट क्लास 2 घंटे तक की रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर 1000 एमसीक्यूज और हम कम टाइम में बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस फुल रहेंगे। तो जिनका भी MP, हरियाणा, त्रिपुरा, CHO के साथ साथ DMER का पेपर है, NHM के अलग अलग जगह स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं, तो इनमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपके ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, चाहे आपके सिलेबस में कोई सा भी टॉपिक हो वो सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। साथ ही साथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो वो क्लियर आपका यहाँ पर ईजिली हो जाए इमेज को देख के। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल पर कल ही एक क्लास करवाई थी तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाहर से आपको एनालिटिकल और कम्युनिकेशन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसी में से आएगा। तो यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे इस क्लास में, तो क्लास में एंड तक बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, मेडिकल एंड नर्सेस हब सेम नाम से ऐप है हमारी, जिसमें आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज ऑल ओवर थिंग्स हैं जो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंटेंट कंपोजिशन ऑफ पिल्स सोन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफ दिख रही है आपको, इमेज दिख रही है माला डी की, इसमें आपको बताना है कि कंपोजिशन है क्या। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि माला डी माला एन से किस प्रकार डिफर है, बट यहाँ पर आज है कि कंपोनेंट क्या है इसका। ऑप्शन में है 15 mcg एस्ट्रोजन, 300 mcg प्रोजेस्टेरोन। आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि माला डी और माला एन का केमिकल कंपोनेंट क्या है। केमिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है, ओनली एक है जो मार्केट में सेल होगी और दूसरी है जो फ्री रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 15 mcg एस्ट्रोजन, 300 mcg प्रोजेस्टेरोन, 150 mcg एस्ट्रोजन, 30 mcg प्रोजेस्टेरोन, 30 mcg एस्ट्रोजन, 150 mcg प्रोजेस्टेरोन, या फिर 300 mcg एस्ट्रोजन और 15 mcg प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर आज की क्लास में फैमिली प्लानिंग मेथड, जितनी भी वॉलेंट्री इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल नेशनल हेल्थ डेज, आपका गायनेकोलॉजी का पूरा पोर्शन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, सभी चीज़ें पीडियाट्रिक, यहाँ पर सब चीज़ें आपकी आज कवर हो जाएंगी एक ही क्लास से। तो माला डी में और माला एन में जो केमिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, 30 mcg एस्ट्रोजन एंड 150 mcg क्या प्रोजेस्टेरोन क्या रहेगा, 30 mcg एस्ट्रोजन और 150 mcg प्रोजेस्टेरोन करके इस तरीके से डोज नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं लेबोनोजेस्ट्रॉल एंड इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, क्या है इथेनॉइल एस्ट्रॉइडल, साथ में फेरस फ्यूमरेट की 7 टैबलेट, टोटल 28 टैबलेट होती हैं, जिसमें से 21 कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहेंगी और बाकी रिमेनिंग जो 7 रहेंगी वो क्या रहेंगी, फेरस फ्यूमरेट है जो आयरन की टैबलेट रहेंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी सोन इन द इमेज। तो यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा है, किस हेल्थ एजेंसी का सिंबल है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आप बता पाएंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन में जेनेवा, रोम, न्यूयॉर्क या फिर न्यू दिल्ली। तो जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी जिसका ये सिंबल दिख रहा है, किसका सिंबल है, यूनिसेफ का सिंबल, किसका सिंबल है, यूनिसेफ का, जो कि 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का यदि एस्टेब्लिशमेंट पूछते हैं कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को बाय द यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, जिसमें जो बच्चे हैं उनको पोस्ट वॉर के बाद जो यूरोप और चाइना का वॉर हुआ था उसके बाद उनको प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ जो इमरजेंसी नीड्स हैं, खाना पीना ये सभी चीज़ें सप्लाई की जा सकें, इसका यदि फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है यहाँ पर
आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी सोन इन द इमेज, तो यहाँ पर इमेज में एक दूसरी हेल्थ एजेंसी आपको दिख रही है, लोगो दिख रहा है, ये किस हेल्थ एजेंसी का है? ऑप्शन में WHO, यूनिसेफ, ILO या फिर FAO। तो यहाँ पर इन सभी के हेडक्वार्टर यदि आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी जिसका यहाँ पर लोगो दिख रहा है क्या है, WHO का लोगो, क्या है? WHO का लोगो है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा WHO। और WHO की यदि स्थापना पूछते हैं तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? जनेवा में। अब 7 अप्रैल को हम हर साल कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस बार 2022 की थीम थी अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। क्या थी थीम? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। और यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। WHO का कहाँ पर है? तो WHO का है जेनेवा में। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपको इनके बेसिक नाम के अलावा इनका जो स्थापना कब हुई थी, तो ILO की स्थापना हुई थी 1932 के आसपास। बट यदि इसका हेडक्वार्टर मेनली एग्जाम में आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में। नेक्स्ट है यहाँ पर लोकेशन ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी सोन इन द इमेज। तो यहाँ पर CDC है जो दिख रहा है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, रोम, न्यूयॉर्क या फिर अटलांटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। CDC रिसेंट में लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है कोविड के कारण। तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अटलांटा, जॉर्जिया, जो कि US में है। तो यहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर याद रखना है? अटलांटा। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। और आज हम यहाँ पर जितने भी कंट्रोल प्रोग्राम एग्जाम में आते हैं वो भी पढ़ लेंगे। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का लोगो यहाँ पर ए रहा, जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं। तो ये प्रोग्राम आया था 11th 5-year प्लान के टाइम पर। कब? 11th जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम कब आया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम पर, 2007 से 2008 के बीच में। एम रखा गया था क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टोबैको एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। आपको जो प्रोडक्शन होता है टोबैको का उसको कम करना है, एंड जो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हमें अपनाने हैं। तो यहाँ पर जो टोबैको डे यदि आपको पूछा जाता है, तो टोबैको डे हम कब मनाते हैं? 31 मई को। हर साल हम वर्ल्ड नो टोबैको डे यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है, बट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हम कब मनाते हैं? 31 मई को। किस दिन? 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं, मतलब तंबाकू नहीं, जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं। इसका एक क्या है यहाँ पर लोगो है, स्लोगन है हम जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपिक्टेड बाय द सिंबल इन इमेज। तो यहाँ पर जो नेको का सिंबल दिख रहा है, इसका हेडक्वार्टर है जो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में कि कोलकाता में? तो यहाँ पर जो नेको का जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्री है वो कहाँ, जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है नेको का वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का यदि आपको हेडक्वार्टर पूछते हैं तो ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर ए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट केस HIV/AIDS से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो HIV/AIDS का पहला केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था? तो इंडिया में यदि पूछते हैं तो HIV का पहला केस चेन्नई में 1986 में डिटेक्ट हुआ था। एंड देन एड्स के लिए सेल बनाई गई थी, प्रोग्राम नहीं हम इसको कहेंगे, ओनली सेल का सेटअप हुआ था 1990 में। और यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फेज प्रोग्राम कब आया था, तो 1994 से 1999 में। सेकेंड पूछते हैं तो 1999 से 2006 में। थर्ड पूछते हैं तो 2007 से 2012 में। फोर्थ था 2012 से 2017 में। इनका धीरे धीरे इनिशियल बजट कम रहा, बट धीरे धीरे इसके लिए बजट भी बढ़ते गया। और यहाँ पर जो HIV/AIDS है इंडिया में, यदि इसका हेडक्वार्टर पूछते हैं नाको का, तो वो है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट फेज पूछते हैं कब स्थापित की गई थी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, तो हुआ था 1992 में। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन आया था, लेकिन इसकी जो
फर्स्ट फेज है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आई थी 1994 से 99, 99 से 2006, 2007 से 2012, 2012 से 2017 में। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ओन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिख रही है, कौन सी है? वेजाइनल रिंग, लिपेस लूप, मिरेना या फिर प्रोजेस्टासर्ट। तो यहाँ पर जो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिख रही है क्या है, यह लिपेस लूप। क्या है? लिपेस लूप। और जो यहाँ पर मिरेना है हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, वेजाइनल रिंग है, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से इंसर्ट करते हुए भी देख सकते हैं। अब मेनली आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि थ्री टाइप की होती हैं, इनकी आपको जनरेशन याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट जनरेशन होती है नॉन मीडिएटेड, जैसे कि लिपेज लूप हो गया, ये किस में आएंगी? फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में होती है मेटालिक, जिसमें IUCD मेनली रहेंगी, नोवा टी, मल्टीलोड टी, कॉपर टी 380। तो नोवा टी होती है 5 साल के लिए, कॉपर टी 380 होगी 10 साल के लिए। अब आती है थर्ड जनरेशन, जिसको हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहेंगे, हार्मोनल IUD भी हम जिनको कहेंगे। तो उनमें क्या आता है? प्रोजेस्टासर्ट जो कि 2 साल के लिए है, मिरेना और LNG जो कि 10 साल तक के लिए रह सकता है, 7 साल से लेकर 10 साल तक। यदि आप बीच में कंसीव करना चाहते हैं तो रिमूव करवा सकते हैं। अब एग्जाम में आपको प्रोजेस्टासर्ट और मिरेना के जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं फॉर रिलीजिंग पर डे हार्मोन है वो पूछ सकते हैं। तो प्रोजेस्टासर्ट क्या है? प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग IUCD है। तो इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा पर डे, 65 माइक्रोग्राम है जो, 65 माइक्रोग्राम पर डे क्या होगा? रिलीज होगा हर साल। इसको इसका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो कितना होगा? 1 साल का। 1 साल बाद इसको हम रिप्लेस करवा सकते हैं। दूसरा आता है मिरेना, जो कि डेली 20 माइक्रोग्राम लेवोनोजेस्टेरोन है जो क्या करेगी? रिलीज करेगी। इफेक्टिव रहती है 7 साल से लेकर 10 साल तक। यहाँ पर ये रही प्रोजेस्टासर्ट की इमेज आपको, जिसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन है जो फिल्डअप रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक इमेज में आपको कैप टाइप से दिख रहा है, तो ये क्या है? फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम, वेजाइनल स्पॉन्ज या फिर वेजाइनल रिंग। तो यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें क्या दिख रहा है? दिख रहा है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। वेजाइनल स्पॉन्ज इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर फीमेल कॉन्डोम इस टाइप से होगी। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरिस्टिडियम टिटेनी। तो क्लोरिस्टिडियम टिटेनी किस टाइप का टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा? एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, ऑर्गेनिक टॉक्सिन या फिर इनऑर्गेनिक टॉक्सिन। तो टॉक्सिन तो टॉक्सिन ही रहेंगे, बट क्लोरिस्टिडियम टिटेनी है जो एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करेगा। किस टाइप के टॉक्सिन को? एक्सोटॉक्सिन को। अब एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में डिफरेंस क्या है? तो जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोटॉक्सिन को क्या करेंगे? रिलीज करते हैं, और इनकी जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट होता है बहुत ही कमज़ोर होगा एंडोटॉक्सिन का। एक्सोटॉक्सिन क्या रहेंगे? हाईली टॉक्सिक रहेंगे, और इनमें जो न्यूट्रलाइज करने की क्षमता होगी एंटीबॉडीज़ को वो क्या रहेगी? एक्सोटॉक्सिन में ज़्यादा रहेगी, बट एंडोटॉक्सिन में नहीं होगी। तो एक्सोटॉक्सिन ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू एंडोटॉक्सिन के। एंडोटॉक्सिन जब होते हैं, जब आप यदि किसी भी बैक्टीरिया या फिर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जब जो ज़्यादा पैथोजेनिक या फिर वायरलेंस सेंटर होगा, तब ज़्यादा एंडोटॉक्सिन है जो आपकी बॉडी में बना पाएगा। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस यही है कि क्लोरिस्टिडियम टिटेनिन क्या है जो किस टाइप का टॉक्सिन बनाएगा? तो एक्सोटॉक्सिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाई टिक। तो टिक के थ्रू कौन सा है जो वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा? क्यास्नूर, फॉरेस्ट डिसीज, डेंगू, मलेरिया या फिर नन ऑफ दी अबव। तो मलेरिया तो एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो कि एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के वाइट करने से होगा, बट यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा टिक के थ्रू, तो वो है क्यास्नूर, फॉरेस्ट डिसीज, KFD, जो कि टिक बॉर्न हेमरेजिक फीवर है जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के रहा है। और इसका जो वायरस है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? फ्लेविब्रेडा फैमिली से। किससे? फ्लेविब्रेडा फैमिली से। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल सोडियम लेवल इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होगा? तो इसकी डायरेक्ट रेंज आपको बता देते हैं। तो नॉर्मल सोडियम लेवल की यदि बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। यदि जब यही लेवल हाई होता है तो हाइपरनेट्रेमिया होगा, लो होगा तो
हाइपोनेट्रेमिया। अब पोटेशियम की वैल्यू यदि पूछते हैं तो होती है 3.525 mEq/L। कितनी? 3.525 mEq/L। यदि कैल्शियम की पूछें तो 8.5 to 10.5 mg/dL। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में आता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। तो टंग के इन्फ्लामेशन के लिए क्या कहा जाएगा? जिंजिवाइटिस, पेरोटाइटिस, स्टोमेटाइटिस या फिर ग्लोसाइटिस। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग कहा जाएगा ग्लोसाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा। जिंजिवाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। पेरोटाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द बन और बोथ पेरोटिड ग्लैंड्स। आई होप आपको चारों टर्म क्लियर हो गए हों। टंग का इन्फ्लामेशन ग्लोसाइटिस, ओरल म्यूकोसा स्टोमेटाइटिस, गम्स में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जिंजिवाइटिस, पेरोटाइटिस का मतलब है कि एक या फिर दोनों पेरोटिड ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन होना। नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयरिज। तो कानों के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाएगा एग्जामिन करने के लिए? लेरिंगोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी या फिर ऑटोस्कोपी। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो होगा ऑटोस्कोप। इस तरीके से कान को एग्जामिन करने में यूज़ होगा। ऑप्थेल्मोस्कोप है जो आँखों के पार्ट को, रेटिना को देखने के लिए यूज़ किया जाएगा। प्रोक्टोस्कोप है जो कि एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन को चेक करने के लिए है, जो विजुअलाइज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एग्जाम में आपको इंस्ट्रूमेंट दे के नाम पूछ सकते हैं। तो क्या ऑटोस्कोप, यहाँ पर ऑप्थेल्मोस्कोप, यहाँ पर प्रोक्टोस्कोप, फिर आता है लेरिंगोस्कोप, इसको हम क्या कह सकते हैं, एंडोस्कोपी ऑफ द लेरिंग्स। तो यहाँ पर ये रहा लेरिंगोस्कोप। नेक्स्ट है यहाँ पर अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम इन एड्स इंक्लूड सॉल। तो एड्स में कौन से वास्टिंग सिंड्रोम हैं जो देखने को मिलेंगे? इनवॉलेंट्री वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ईसोफेगल कैंडिडियासिस। सब इन चार में से आपको यहाँ पर ABCD करके ऑप्शन दिए हैं, सीक्वेंस जोड़ के बताना है कि सही कौन सा है। तो एड्स में वास्टिंग सिंड्रोम कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे आपके इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, क्रॉनिक डायरिया भी होगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है CSF सीक्रेटेड बाय। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सिस, आर्कनॉइड प्लेक्सिस, थर्ड वेंट्रिकल या फिर अनंती एवक। तो CSF का जो सीक्रेशन है वो कौन करता है? कोरोइड प्लेक्सिस। नेक्स्ट इज द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ एन आर्टरी इज रिफर्ड एज। तो यदि आर्टरी की वॉल में एबनॉर्मल तरीके से डायलिटेशन हो जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन में एन्यूरिज्म, हर्निया, फ्लेबाइटिस या फिर ननब्दी एवं। तो वेंस में क्या होगा? वेंस में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो हम कहेंगे फ्लेबाइटिस। हर्निया का मतलब होगा कि एक ऑर्गन कहीं और पर प्रोड्यूस हो जाए। अब यहाँ पर है कि आर्टरी की वॉल वीक होती है जिसके कारण डायलिटेशन होगा, वो क्या कहलाएगा? एन्यूरिज्म। इस तरीके से यहाँ पर वीक पोर्सन होगा वो क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ बल्ज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एन्यूरिज्म। नेक्स्ट इज एक्सेसिव एल्कोहल यूज वाइल ऑन वारफेरिन थेरेपी लीड्स टू। तो यदि कोई पर्सन वारफेरिन थेरेपी पर है तो यदि वो ज़्यादा शराब पीता है तो क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज्ड एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट, इंक्रीज विटामिन के एब्जॉर्प्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि कोई लंबे टाइम से वारफेरिन थेरेपी ले रहा है तो उसको एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज रहेगा। एल्कोहल कैन कॉज योर बॉडी टू मेक फ्यूअर प्लेटलेट दैन नॉर्मल। तो यदि आप क्या कर रहे हैं, एल्कोहल का एक्सेसिव कंजप्शन करते हैं, आप वारफेरिन थेरेपी पर हैं, तो ये क्या करेगा? एल्कोहल आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट बनना चाहिए उसको क्या करेगा? कम बनाएगा। प्लेटलेट जो सेल हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहेंगे, वो वारफेरिन ऑल्सो इंटरफियर विद द क्लॉटिंग। यदि आप ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं तो वारफेरिन क्या करेगी? मेजर ब्लीडिंग का कारण है जो आपको और बनेगा। यहाँ पर क्या करेगा? इंक्रीज्ड एंटी कोआगुलेशन इफेक्ट। नेक्स्ट इज डिथीरिया कैरियर इज आइडेंटिफाइड थ्रू। तो डिथीरिया का करियर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्राम स्टेनिंग से, अल्बर्ट स्टेनिंग से, जील नेल्सन स्टेनिंग से या फिर थ्रोट कल्चर स्वैप से। आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रोट कल्चर स्वैप से, क्योंकि डिथीरिया मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। और हम करियर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? थ्रोट स्वैप कल्चर से। नेक्स्ट वन इज द गोल हेल्थ फॉर ऑल बाय 2080 वॉज मूटेड इन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन द ईयर। तो हेल्थ फॉर ऑल है जो 2080
तो यहाँ पर कब लिया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में? 1978 में, 1945 में, 1991 में या फिर 1979 में? 1979 में. तो वर्ल्ड हेल्थ जो हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में लिया गया था 1978 में. इसी टाइम पर क्या लिया गया था? प्राइमरी हेल्थ केयर को भी डिफाइन किया गया था, और उसी टाइम पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD भी लाया गया था. नेक्स्ट इज MTP एक्ट डज नॉट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर. तो MTP एक्ट के तहत कितने वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते? 30 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स या फिर 28 वीक्स? तो MTP एक्ट के तहत हम 20 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते. आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हम जो अबॉर्शन है, MTP एक्ट 1971 में आया था, उसके अकॉर्डिंग हम 20 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को है जो टर्मिनेट नहीं कर सकते. बट कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें 24 वीक्स को प्रेगनेंसी को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, बट उसमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होगी. यहाँ पर MTP एक्ट आया था 1971 में, बट लेकिन MTP एक्ट अमेंडमेंट 2021 में आया था, जिसमें दो तीन चीज़ें ऐड की गई थी कि एक तो यदि 24 वीक और उससे ज़्यादा का रेप सर्वाइवर है तब आप क्या कर सकते हैं? अबॉर्शन कर सकते हैं. यदि यहाँ पर पहले जेल नहीं होती थी, लेकिन अब आपको फाइन भी लगेगा और 1 साल की जेल भी होगी. नेक्स्ट, अंडर NCE प्रोग्राम आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट्स टू बी गिवन डेली टू द मदर हैज. तो NCE प्रोग्राम के तहत आयरन फॉलिक एसिड है जो मदर को दिया जाता, तो ये कितना दिया जाएगा? 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 100 mcg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड या फिर 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड. तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर कीजिए कि MCH प्रोग्राम में आयरन फॉलिक एसिड डेली कितनी दी जाती है मदर को? 100 mg आयरन दिया जाएगा, 500 mcg फॉलिक एसिड है जो दिया जाएगा. और आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी. नेक्स्ट इज स्पर्मिसाइड यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्शन टुडे इज. तो टुडे नाम की कॉन्ट्रासेप्शन है, इसमें कौन सा स्पर्मिसाइड यूज किया जाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन F2, MPA, 9-नैनोक्सोनोल या फिर नैन ऑफ दी अबव. तो जो वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है टुडे, जो कि क्या है? वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है टुडे नाम की, इसमें जो स्पर्मिसाइड है स्पर्म को मारने का काम करेगा वो क्या है यहाँ पर? 9-नैनोक्सीनाइल. क्या है यहाँ पर? 9-नैनोक्सीनाइल. और इसको इंसर्ट करने के बाद 24 घंटे के बाद है इसको हमें क्या करना है? चेंज कर लेना है. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर ऑफ मालन्यूट्रिशन. तो एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर है जो मालन्यूट्रिशन के लिए, कौन सा? वो चेस्ट सरकमफेरेंस, MUAC, हेड सरकमफेरेंस या फिर वेट फॉर एज. तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में एक इंडिपेंडेंट एज इंडिपेंडेंट को लेके जो सही मेजरमेंट बताएगा माल न्यूट्रिशन का, वो क्या होगा? मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, MUAC. नेक्स्ट वन इज ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट. तो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन में प्री रेसिडुअल क्लोरीन, बाउंड क्लोरीन, प्री एंड कंबाइंड क्लोरीन या फिर क्लोरीन डिमांड. तो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट किया जाता है किसके लिए? कि जो फ्री और कंबाइंड क्लोरीन कितनी है वाटर में, उसको चेक करने के लिए. नेक्स्ट इज स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ एन एडल्ट मेल सजेस्ट. क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस एक्सरे में देखने को मिल रहा है मेल एडल्ट के एक्सरे में, तो ये क्या है? एंथ्राक्नोसिस, सिलिकोसिस, सिड्रोसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो यहाँ पर सिलिकॉन डस्ट में, सिलिकॉन फैक्ट्रीज में लॉन्ग टाइम से काम करते हैं लोग, उनको सिलिकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और इसी के कारण ये देखिए, आप जब एक्सरे लेंगे तो लंग फाइब्रस है जो कि सिलिका डस्ट के कारण होगा. और जो चेस्ट यहाँ पर एक्सरे में किस टाइप से देखने को मिलेगा? स्नो स्टॉर्म अपीरेंस देखने को मिलेगा. नेक्स्ट इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO. तो WHO के अकॉर्डिंग चौथा डायमेंशन कौन सा है? ऑप्शन में फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन. तो फोर्थ डायमेंशन हेल्थ का WHO के अकॉर्डिंग वो क्या है? स्पिरिचुअल डायमेंशन. 5 होते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिफ्थ वन इज द सोशल. नेक्स्ट इज अ कपल विथ वन चाइल्ड हैड बीन ट्राइंग
without success for several years to have another child. The following terms would describe the situation. तो एक कपल है, उसका ये ऑलरेडी एक बच्चा है, वो बहुत लंबे टाइम से क्या कर रहा है, कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे? प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, स्टरिलिटी या फिर रिवर्सिबल इनफर्टिलिटी। तो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, बच्चा है उसका, तो स्टरिलिटी तो बिल्कुल नहीं होगी, बांझपन जिसको हम कहेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक बार बच्चा हो गया है, अब दूसरी बार कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरिलिटी इज द इनएबिलिटी टू अचीव अ प्रेगनेंसी। बहुत लंबे टाइम तक हैज ट्राई करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टरिलिटी। और इसमें हम बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ किए, बिना इनफर्टिलिटी इनएबिलिटी टू गिव द लाइव बर्थ ऑफ द बेबी, या फिर अदर टर्म में कहें कि वुमेन प्रेग्नेंट होती है लेकिन बच्चे को है जो लाइव बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, तो क्या कहलाएगा? इनफर्टिलिटी। और ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो उस लेडी का ऑलरेडी वन चाइल्ड है, दूसरे के लिए ट्राई कर रही है, यदि एक भी नहीं होता और वो अपनी सिचुएशन लेके आती तब हम कहते प्राइमरी इनफर्टिलिटी, बट ऑलरेडी उसका एक बच्चा है तो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज में लास्ट फेज कौन सी है होम विजिट की? एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। तो होम विजिटिंग के लिए फैमिली हेल्थ सर्विसेज में जो लास्ट फेज है वो क्या है? पोस्ट विजिट फेज। ये देखिए, इनिशिएशन, प्री विजिट, एक्टिविटीज ड्यूरिंग होम विजिट, टर्मिनेशन फेज एंड लास्ट आती है पोस्ट विजिट एक्टिविटीज फेज। नेक्स्ट इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेंट विथ अ सिंगल 0.5 mg क्लोरीन टेबलेट। तो 0.5 mg की सिंगल क्लोरीन टेबलेट से कितना लीटर वाटर है जो डिसइंफेक्ट होगा? 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। तो टोटल 20 लीटर है 0.5 mg की टेबलेट से वाटर क्या होगा? डिसइंफेक्ट होगा। और जो प्रोसेस कहलाएगी वाटर को क्लीन करने की क्लोरीन से, वो क्या कहलाएगी? क्लोरीनेशन। नेक्स्ट इज हॉरोक्स ऑपरेटर इज यूज टू मेजर। तो हॉरोक्स ऑपरेटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में लेवल ऑफ रेसिडियल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो हॉरोक्स ऑपरेटर यूज़ किया जाता है क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए, पानी में क्लोरीन की कितनी ज़रूरत है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और ये रही हॉरोक्स ऑपरेटर की इमेज। ये क्वेश्चन इसमें अभी हॉरोक्स ऑपरेटर का UPSC के पेपर में भी आया था। नेक्स्ट है यहाँ पर मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। तो यदि हम कोई डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स लेंगे, स्टेप लेंगे, तो क्या कहलाएंगे? किस टाइप के प्रिवेंशन में आएंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ दी अबव। डिसीज ऑलरेडी है, डिसीज की प्रोग्रेस को हम रोकना चाह रहे हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। ऑलरेडी डिसीज़ है बट उसकी प्रोग्रेस ऑफ डिसीज़ को रोकने के लिए जो हम प्रिवेंशन लेंगे वो क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो होता है बैरोमीटर। नेक्स्ट इज अ 30-year-old प्रेग्नेंट वुमेन इज डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी टीबी ड्रग्स शुड नॉट बी गिवन। यदि कोई 30 साल की लेडी प्रेग्नेंट वूमेन है, डायग्नोस की जाती है पल्मोनरी टीबी के लिए, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन हम नहीं देंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी? ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, थाम्ब्यूटॉल या फिर रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन तो रेड ऑरेंज कलर की यूरिन होगी। यहाँ पर 30-year-old जो वूमेन है, प्रेग्नेंट है, तो जो हम यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग अवॉइड करेंगे वो क्या होगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी और प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म कर सकती है। तो यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन और अमिकासिन तीनों क्या रहेंगी? कॉन्ट्राइंडिकेट रहेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या ड्यूरेशन रहा है? तो 2012 से 2017 तक रही है जो पंचवर्षीय योजना है, 12th 5-year प्लान थी। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना को लाया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर यदि फर्स्ट 5-year प्लान पूछते हैं तो कब लॉन्च हुई थी? 1951 में। 1951 में
यहाँ पर ये रही जो कि यहाँ पर पंचवर्षीय योजना है, यदि पहली पूछे तो 1951 में लास्ट रही है, 12th 5-year प्लान इसके बाद है जो पंचवर्षीय योजना है नहीं लाई गई। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज्म डे, तो नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को होता है। आपको हर एक स्टेट का स्लोगन है जो याद रखना है नेशनल टूरिज्म डे का। नेशनल टूरिज्म डे कब होगा? 25 जनवरी को। फिर आता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे, तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? हैंसन्स डिसीज। क्या है दूसरा नाम? हैंसन्स डिसीज। नेक्स्ट है मैट्रियर्स डे, तो मैट्रियर्स डे कब मनाते हैं हम? 30 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। 30 जनवरी 1948 को एट द 78 जब 78 साल के थे गांधी जी, तो उनकी किसने है जो गोली मार के हत्या की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो उसी दिन से हम मर्ट्रेस डे है जो सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। नेक्स्ट है 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करेंगे। वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी डे है, हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। कब? 2 फरवरी को। फिर आता है वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे हम हर साल कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। कैंसर को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी 2021 की आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट नेशनल डिवॉर्मिंग डे, नेशनल डिवॉर्मिंग डे में जो एलवेंडा जॉल की मेडिसिन दी जाती है बच्चों को, डिवॉर्मिंग एजेंट्स दिए जाते हैं, वो आएगा। नेशनल डिवॉर्मिंग डे हम कब मनाते हैं? 10 फरवरी को हर साल है जो हम 10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाते हैं। थीम है कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा, एंड वॉर्म फ्री चिल्ड्रन, हेल्दी चिल्ड्रन। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड रेडियो डे, तो हम वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे है जो क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल वुमेंस डे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यदि इंटरनेशनल वर्ल्ड वुमेंस डे पूछें तो 8 मार्च को, यदि ओनली नेशनल वुमेंस डे पूछें तो 13 फरवरी को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल का मतलब इंडिया में, इंडिया में नेशनल वुमेंस डे पूछें तो 13 फरवरी, और यदि वर्ल्ड और इंटरनेशनल वुमेंस डे पूछें तो 8 मार्च को। और यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं कि नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। एग्जाम में आ सकते हैं इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं? ऑप्शन में 28 फरवरी, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है सॉरी, तो नेशनल साइंस डे हम मनाते हैं 28 फरवरी को। 2022 की थीम चेक नहीं की थी, तो 2019 की साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस, साइंस लोगों के लिए और लोग साइंस के लिए हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल वुमेंस डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर आपको 2022 की थीम याद रखनी, 2021 की तो थी अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, है जो हम कब मनाते हैं? 8 मार्च को। इस साल की थीम थी 2022 की जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। क्या थी? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और एक कैंपेन लाया गया था 7 मार्च से 8 मार्च 2020 के बीच में, इसमें 7 चीज़ें हैं जो की गई थी, तो वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली की जाती हैं। बट इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च और इसकी थीम आपको मेनली याद रखना है। नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो हम हर साल नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाते हैं, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी माना जाता है। तो यहाँ पर आपका यदि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूछें तो 1995 में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पूछें तो कब मनाते हैं हम? 16 मार्च को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है जो कब होता है? 24 से 30 अप्रैल तक। और इस बार जो 2020 की थीम थी क्या थी? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं हम कब? 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ल्ड ट्यूबर क्लॉसिस डे, तो हम वर्ल्ड विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं हम? 24 मार्च को। और इस बार की थीम थी 2022 की इन्वेस्ट टू एंड द टीबी और सेव द लाइफ्स। खोज किसने की थी ट्यूबर क्लॉसिस बैक्टीरिया की? रॉबर्ट कोच ने, उन्हीं के नाम रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? ट्यूबर क्लॉसिस का जो बैक्टीरिया है उसकी। और थीम 2022 की क्या थी? इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव द लाइफ्स।
नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे की हम कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। 2022 की थीम यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो वही है यहाँ पर इस बार की भी, सेव अवर प्लेनेट। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज दिवस। तो नेशनल पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। मोदी जी ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च किया था एंड स्वामित्व स्कीम भी यदि आपको पूछी जाती है तो ये दोनों किसके अंदर हुई थी लॉन्च, नेशनल पंचायत राज दिवस के टाइम पर। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे हम हर साल 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 2022 की थीम थी डांस सॉरी एडवांस इक्वालिटी वर्ल्ड रिसाइलेंस एंड द मलेरिया, क्या है थीम है 2022 की। नेक्स्ट वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल को बनाते हैं। थीम है इस बार की वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, क्या है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जो मोदी जी ने सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना लाए थे 2018 में, उसको अपडेट किया गया था, रिलीज़ किया गया था और 30 अप्रैल से हम उसी आयुष्मान भारत दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स हम हर साल 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं एंड 2022 की थीम अभी डिसाइड नहीं की गई है, 2021 तक की थीम डिसाइड की गई है। तो क्या है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेज डे, तो हम इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं, हर साल 12 मई को। 2022 की थीम है नर्स बॉयज टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ। वर्ल्ड नो टोबैको डे हम हर साल मनाते हैं 31 मई को। 2022 की थीम है ट्रीट टू आवर एनवायरनमेंट, क्या है ट्रीट टू आवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे हम 21 जून को क्या करते हैं मनाते हैं। नेक्स्ट जीएसटी, जीएसटी कब लाया गया था पहली बार, 1 जुलाई 2018 को, तभी से हम जीएसटी है जो कब मनाते हैं 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं 1 जुलाई को, दोनों ही सेम दिन पढ़ते हैं। फिर आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को मनाते हैं और 2022 की थीम है हाउ टू सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ एंड पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। 2021 की थी द एंड में सॉरी द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। 2022 की थीम है हाउ टू सेट सेफ गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ एंड पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाता है और ये कब मनाते हैं 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, जो अप्रैल का मंथ का फर्स्ट वीक होता है उसी में इसको मनाया जाता है। थीम होती है फाउंडेशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि हम 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को जो मेजर ध्यानचंद थे उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर, जो हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद थे उन्हीं के जन्मदिन के दिन हम क्या मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट वर्ल्ड टीचर्स डे, तो हम वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाते हैं 5 सितंबर को, क्या मनाते हैं 5 सितंबर को हम हर साल वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं 1 दिसंबर को। इस बार की अभी थीम डिसाइड नहीं हुई है एंड इनइक्वालिटीज एंड द एड्स, क्या है 2021 की ही थीम है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स विद इन हाउ मेनी आवर ऑफ डिलीवरी, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो पोस्टपार्टम हेमरेज को प्राइमरी कब कहा जाता है, जब डिलीवरी के 24 आवर के अंदर क्या हो जो ब्लीडिंग हो, किस में आएगी प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज में। सेकेंडरी में ब्लीडिंग 24 आवर से लेकर 6 वीक तक होती है, तब वो किस में आएगा सेकेंडरी पीपीएच में। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कोविड-19 के दिए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या करेंगे कि जितने भी जो अब कम्युनिकेबल डिसीज हैं वो पढ़ेंगे इस सेक्शन से एंड कोविड-19 कोरोना वायरस से 20 क्वेश्चन आपके 20 to 25 क्वेश्चन जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं उनको लेके रहेंगे। देन आफ्टर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पोर्शन स्टार्ट होगा देन आफ्टर गायनेकोलॉजी।
एन COVID-19 और कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, कोरोना वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 14 दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। और यदि ट्रांसमिशन रूट है तो सबको पता है 2 साल से फैला है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने खांसने से होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेट ब्यूबैनिक प्लेग जिसको हम ब्लैक डेथ, और पॉजिटिव एजेंट है इसका बैक्टीरिया अर्सिनिया पेस्टिस। क्या है, बैक्टीरिया एर्सिनिया पेस्टिस इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। ट्रांसमिशन होगा इन्फेक्टेड फ्ली के बाइट करने के कारण। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 दिन तक, कितना होता है 2 से 6 दिन तक। फिर आता है जीका वायरस, तो जीका का पॉजिटिव एजेंट क्या, एडीज एगेप्टी। इसका वायरस बिलोंग करता है आरएनए सिंगल वायरस है फ्लेविब्रेडा फैमिली से। जीका वायरस ट्रांसमिट होगा किसी भी एडीज स्पीसीज मॉस्क्यूटो के बाइट करने से। नेक्स्ट ट्रांसमिशन इसका तो प्राइमरली तो बाइट करने से ही होगा। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 14 दिन, 3 to 14 days। नेक्स्ट है यहाँ पर इबोला। इबोला वायरस को इबोला हेमरेजिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 21 दिन। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, इबोला वायरस। इसकी जो वायरस किस टाइप का है, आरएनए जीनोम्स वायरस। जो यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड पूछे तो कितना होता है, 2 से 21 दिन तक का। नेक्स्ट आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के 5 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव एजेंट वेरियोला वायरस है, डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रेस्पिरेटरी रूट, सिम्टम्स फीवर रेसेसिन सेंट्रीफंगल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना है कि जो स्मॉल पॉक्स के जो रेसेस होते हैं कैसे होंगे, सेंट्रीफंगल डिस्ट्रीब्यूशन में, और पूरे वर्ल्ड से रेडिकेट कब माना गया था, 1979 to 1980 में। नेक्स्ट है यहाँ पर चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जूस्टर, जो भी जो कि एक डीएनए वायरस है, ट्रांसमिशन होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। इंक्यूबेशन पीरियड है 14 to 16 days तक। वेसिकुलर रेसेस होंगे, प्लियोमॉर्फिज्म वे में रहेंगे, और कॉम्प्लिकेशन रहेंगे इसके रे सिंड्रोम एंड DIC। यहाँ पर जो चिकन पॉक्स के प्लियोमॉर्फिज्म रेसेस कहे हैं वो इस टाइप से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है मीजल्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, रूबियोला। पॉजिटिव एजेंट है मिक्सो वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स और रूबियोला वायरस में ही देखने को मिलेंगे। कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो ओटाइटिस मीडिया निमोनिया एंड कंजक्टिवाइटिस से क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसके, मीजल्स और रूबियोला के। नेक्स्ट आता है रूबेला और जर्मन मीजल्स। रूबेला और जर्मन मीजल्स आरएनए टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करेगा, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। 18 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होगा। ट्रांसमिशन भी कैसा हो, ड्रॉपलेट। साइंस सिम्टम में क्या है, कोरिएजा, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, रेसेस, जो किसमें देखने को मिलेंगे, रूबेला में। मैं क्या रहेगा, पॉजिटिव एजेंट आरएनए वायरस रहेगा इसका, जर्मन मीजल्स दूसरा नाम है। और इसकी जो खोज की थी किसने की थी, 1814 में इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था, जर्मन मीजल्स, जर्मन फिजिशियन ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम इन्होंने जर्मन मीजल्स और रूबेला रखा था। नेक्स्ट है यहाँ पर मम्स और पैरोटाइटिस। क्या है, मम्स और पैरोटाइटिस। पॉजिटिव एजेंट है पैरामिक्सो वायरस, जो कि रूबेला वायरस फैमिली का वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 3 वीक। कॉम्प्लिकेशन भी इसमें और चाइटिस, ओवेराइटिस, ओफोराइटिस और पैंक्रेटाइटिस है जो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा है जो ऑर्थोमिक्सोडी वायरस फैमिली का है जो वायरस है, जो कि पॉजिटिव एजेंट 18 से 72 घंटे होगा। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट होगा। जो चीज़ें आपको नॉर्मल फ्लू में होंगी वही यहाँ पर है जो साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। रे सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन किसका, इन्फ्लुएंजा का। नेक्स्ट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS, जो पॉजिटिव एजेंट क्या है, कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 7 दिन है। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। जो साइन सिम्टम है फीवर, मेलाइस, चिल्स, हेडेक, डिजीनेस, माइल्जिया, कफ, सोर थ्रोट ऐसे देखने को मिलेगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है तो कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, तो क्या होगा, ARDS और पल्मोनरी डिकम्प्रेशन। नेक्स्ट आता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, पोलियो वायरस। वर्ल्ड पोलियो डे हम हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं।
इनक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन या फिर 1 वीक टू 2 वीक। ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट से, किससे? फीको ओरल रूट से। और पोलियो का जो वायरस होता है कहाँ पर होता है? जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैक्सीन दी जाती है ओपीवी और आईपीवी वैक्सीन दी जाती है। और पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1995 में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हेपेटाइटिस बी और सीरम हेपेटाइटिस। पॉजिट एजेंट हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि डीएनए वायरस है, बाकी सभी आरएनए वायरस है हेपेटाइटिस के। ट्रांसमिशन है पेरेंटल रूट, सेक्सुअल पेरिनेटल रूट। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 50 से 180 दिन तक का। हेपेटाइटिस सी जिसको ट्रांस पेरेंटल रूट के थ्रू भी ट्रांसमिट होगा, इसीलिए इसका जो ट्रांसमिशन है वो किससे होगा? पेरेंटल रूट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाला हेपेटाइटिस कौन सा? हेपेटाइटिस सी। ए और ई किससे होंगे? फीकोरल रूट से। फिर आता है रोटा वायरस। तो रोटा वायरस डायरिया को कॉज करेगा, इसकी वैक्सीन ऑलरेडी आपको बता दी है तो वो आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव एजेंट क्या? इन्फ्लुएंजा वायरस ए। इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 4 दिन। ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट। और ड्रग ऑफ चॉइस यदि स्वाइन फ्लू की आती है तो क्या है? ओसेल्टामिविर। क्या है? ओसेल्टामिविर क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है स्वाइन फ्लू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट ओनली इन डिमेंशिया व्हेन कंपेयर्ड विद द डिलीरियम। तो आप डिमेंशिया को डिलीरियम से कंपेयर करेंगे, कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? मिसपरसेप्शन, विविड डिल्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर सिस्टमेटिक डिल्यूजन अकर्स अर्ली। तो यहाँ पर जो सिम्टम डिमेंशिया में है, जो रहेगा डिलीरियम में नहीं होगा, वो क्या होगा? सिस्टमेटाइज डिल्यूजन अकर्स अर्ली। डिल्यूजन देखने को मिलेगा किसमें? डिमेंशिया में, ना कि डिलीरियम में। अब इसमें क्या डिफरेंस होगा कि जो डिलीरियम होगा ये बहुत ही फास्ट होगा, और जो डिमेंशिया है 2 से 3 साल तक क्या रहेगा, जो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। और यहाँ पर जो डिमेंशिया स्टेबल भी हो सकता है, बट जो डिलीरियम में नहीं होगा, डेज और वीक्स में ठीक हो जाएगा, डिमेंशिया को लंबा टाइम है जो लग जाएगा। ओरिएंटेशन है जो डिस्टर्ब रहेगी डिलीरियम में, बट डिमेंशिया में क्या रहेगा? परसिस्टेंस डिसोरिएंटेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज अ पर्सन विच इज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब इट इज कॉल्ड। यहाँ पर एनजी ट्यूब है किसी पर्सन को, तो यहाँ पर एनजी ट्यूब इंसर्ट की गई है स्टमक को फ्लश करने के लिए, उसने जो भी खाया था उसको बाहर निकालने के लिए ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला, तो क्या है? ऑप्शन में कॉलोनिक इरीगेशन, डी कम्पनसेशन, गैस्ट्रिक लेवाज या फिर गैस्ट्रिक गेवाज। तो यहाँ पर एक कौन सी प्रोसेस है जिसमें एनजी ट्यूब के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर एक क्या है? गैस्ट्रिक लेवाज। क्या है? गैस्ट्रिक लेवाज में हम बॉडी को क्या कर रहे हैं? फ्लश्ड आउट करवा रहे हैं। और गैस्ट्रिक गेवाज में क्या करेंगे? खाना पीना बॉडी में भेजेंगे। नेक्स्ट इज अ नर्स इज रिसीविंग अ पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड नोट्स दैट द पेशेंट हैज़ रीनल डिसऑर्डर। नर्स एक्सपेक्ट टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट। यदि किसी पर्सन की आप रीनल डिसऑर्डर का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कौन से टेस्ट उसको करवाना चाहिए? इंक्रीज एच बी लेवल, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल, एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो यहाँ पर जो लेबोरेटरी रिजल्ट फाइंडिंग बताएंगी वो कौन सी होंगी? एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। पेशेंट को रीनल डिसऑर्डर है तो क्या होगा? यहाँ पर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इन इंट्राथीकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द। तो इंट्राथीकल इंजेक्शन में ड्रग कहाँ पर एडमिनिस्टर की जाएगी? सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में या फिर स्पाइन में? इंट्राथीकल इंजेक्शन कहाँ पर दिए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पर दिए जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेक्चुरल एनुरेसिस। नॉक्टर्नल एनुरेसिस का मतलब होगा बेड वेटिंग और रात में बेड में सुसु करना। तो कौन सी मेडिसिन देंगे हम इसको ट्रीट करने के लिए? मिप्रामाइन, प्रेजोडोन, क्लोरप्रोक्साजीन या फिर सर्ट्रेलिन। तो ये सबको पता है कि जो बहुत सारे बच्चों में जनरली प्रॉब्लम होती है, आफ्टर 3 ईयर के बाद ठीक होने लगती है, बट जो नॉक्टर्नल एनुरेसिस को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन हम देंगे वो क्या होगी? मिप्रामाइन। क्या होगी? इमिप्रामाइन, जो कि एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने में तो यूज़ होती है, साथ ही साथ जो पैनिक डिसऑर्डर होंगे, बेड वेटिंग होंगी, उसको ट्रीट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू मॉनिटर व्हेन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. यदि कोई पर्सन लंबे टाइम से एसिटामिनोफेन ले रहा है तो आप उसका कौन सा टेस्ट करवाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन या फिर लिवर फंक्शन. तो जो एसिटामिनोफेन है, पैरासिटामोल है, कहाँ जाकर इनका एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो सब है जो कहाँ जो मेटाबॉलिज्म होगा हो गए यहाँ पर लिवर में, तो उसी के लिए हम क्या करवाएंगे, LFT है जो सबसे पहले करवाएंगे. नेक्स्ट इज रेड स्ट्रीनबर्ग सेल्स इज नोड्स आर फाउंड इन. तो रीड स्ट्रीनबर्ग सेल्स नोड्स पाए जाएंगे, वो कहाँ पर होंगे, ल्यूकेमिया में, हॉकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा या फिर मल्टीपल माइलोमा में. रीड स्ट्रीनबर्ग सेल्स हैं कहाँ पर पाई जाएंगी, हॉकिंस लिम्फोमा में. किसमें देखने को मिलेंगी, हॉकिंस लिम्फोमा में. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर मैनेजिंग फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. यदि कोई फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तब हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, जा थर्स्ट मैन्यूवर, इम्प्लाई मैन्यूवर, हैमलिश मैन्यूवर या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो मैन्यूवर हम यहाँ पर अपनाएंगे, यदि कोई हमारे सामने अनकॉन्सियस जो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ भी चोक हो गया है, तो मेथड से हम इसको ट्रीट करेंगे, वो क्या होगी, हेमलिच मैन्यूवर इस तरीके से. विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब्ड बेड रेस्ट. तो यहाँ पर कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट रहेगा जिसको हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म से प्रिवेंट करना है और बेड रेस्ट भी प्रिस्क्राइब किया गया है. ऑप्शन में लिमिट द पेशेंट फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, Use the knee catch when the client is in bed. Teach the patient to move his legs in the bed. तो हमें the pulmonary embolism को क्या करना है, prevent करना है, होने से रोकना है. जिस patient को bed rest करने को कहा गया है तो हम उससे क्या कहेंगे कि आप अपने bed पर ही बैठ के अपने पैरों को कैसे move कर सकते हैं वो आप उसको सिखा सकते हैं. Next is foot drop occurs due to the foot drop किसके कारण होगा, sciatic nerve, brachial plexus, deep peroneal nerve या फिर superficial peroneal nerve. तो foot drop होगा deep peroneal nerve के कारण इस तरीके से. Inability to lift the front part of the foot off the ground. Normal foot को आप जैसे चाहे घुमा सकते हैं, बट यदि peroneal nerve में क्या है, कुछ problem है, foot drop की situation होगी जिसको हम क्या कहेंगे, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल इन्वॉल्व इन द लिफ्टिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द फूट, जो कि नर्व इंजरी, डीप पेरोनियल नर्व इंजरी के कारण देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज डेलीरियम ट्रिमर्स इज द विड्रावल सिम्टम ऑफ. तो डेलीरियम ट्रिमर्स किसके विड्रावल सिम्टम है, ऑप्शन में ओपियोइड्स, एल्कोहलिज्म, कैनबीज या फिर कोकिन. तो विड्रावल सिम्टम का मतलब है आप कोई भी मेडिसिन लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं बट उसको सडनली स्टॉप कर देते हैं तो वो अपने विड्रावल सिम्टम शो करेगी, तो वही है. तो डेलीरियम ट्रीमर्स किसके विड्रावल सिम्टम है, तो है एल्कोहलिज्म के. नेक्स्ट है यहाँ पर अ क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम्स हिज फैमिली एनवायरमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म वाई यूज फॉर द पेशेंट. यदि कोई पेशेंट अपने शराब पीने का रीजन अपनी फैमिली को मानता है तो ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, डिनाइल या रेशनलाइजेशन. इस तरीके का रीज़न क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन. क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन, जिसमें पर्सन अपने आप को दूसरों के ऊपर क्या कर रहा है, कह रहा है कि कुछ अदर रीजन से दूसरों पर अपना ब्लेम डाल रहा है, तो क्या है यहाँ पर, प्रोजेक्शन. नेक्स्ट इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग. तो ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, प्रोपेनोलोल, सेफालोस्पोरिन, जेडोबिडिन या फिर सल्फोनील यूरिया. तो कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है कि हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं दे सकते, तो क्या है, सल्फोनील यूरिया, जो कि यहाँ पर एक एंटी डायबिटिक ड्रग का एग्जांपल है, जो कि डायबिटीज सेकेंड को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, सल्फोनील यूरिया, और ये हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं दे सकते. नेक्स्ट इज रामसा स्केल इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ. तो रामसा स्केल किसको असेस करने के लिए यूज़ की जाती है, सडेशन, पेन अराउजल या फिर ऑल ऑफ द अबव. रैमसे स्केल यूज़ की जाती है सेडेशन के लिए. इसके लिए सेडेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इसमें पेशेंट का लेवल ऑफ सेडेशन डिवाइस किया जाता है 6 कैटेगरी में, एंड देन यहाँ पर उसमें पॉइंट्स हैं जो दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व्स इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. तो
मेजर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सेरोटोनिन? तो जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है ओसीडी के लिए वो कौन सा है? वो सेरोटोनिन। ऑब्सेशन में क्या होगा ओसीडी में? मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स द नीड टू परफॉर्म सर्टेन रूटीन्स रेपिटेडली, बार बार एक ही चीज़ को करना चाहेगा, वो कहना है कंपल्सन। और जो उसके माइंड में थॉट्स आएंगे वो क्या कहलाएगा? ऑब्सेशन। तो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर किसमें इन्वॉल्व रहेगा? ओसीडी में। यहाँ पर अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है और एक क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो है मूड के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर हेल्पफुल है वो क्या है? सेरोटोनिन। डोपामाइन खुशी व्यक्त करने के लिए है, फाइट और फ्लाइट के लिए एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है। एसिटाइल कोलिन यदि हाई होगा तो डिप्रेशन, लो होगा तो एल्जाइमर्स। नॉरएपिनेफ्रिन यदि ज़्यादा होगा तो मैनिया, एंजाइटी, सिजोफेनिया, कम होगा तो डिप्रेशन। ऐसे ही सोमेटोस्टेटिन में है, हंटिंगटन डिसीज़ कॉज करेगा यदि ज़्यादा होगा तो, और कम होगा तो एल्जाइमर्स। डोपामाइन मैनिया सिजोफेनिया में बढ़ जाता है, पार्किंसन डिप्रेशन में घट जाता है। सेरोटोनिन डिप्रेशन में घटेगा लेकिन एंजाइटी और मैनिया में क्या होगा है? बढ़ेगा। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। तो ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल से ह्यूमन में होगा वो कौन सा होगा? पर्टिसिस, प्लेग, मलेरिया या फिर पोलियो। तो यहाँ पर जो एनिमल टू ह्यूमन में होने वाला इन्फेक्शन इसको हम जूनोटिक कहेंगे, कौन सा है? प्लेग, क्योंकि अर्सिन या पेस्टिस के थ्रू होगा। नेक्स्ट इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया का इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होगा? ऑप्शन में वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू पेरेंटल प्लेसमेंटल डिफेक्ट, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एफर्ट, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन प्लेसेंटा से बेबी को भी हो सकता है, फीमेल एनाफिलीज के बाइट करने से भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज हुक बॉर्म पेनिट्रेट इन टू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ। तो जो हुक बॉर्म होंगे, हेलमेंथीस होंगे, वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेंगे? फुट को पेनिट्रेट करके, हेड को पेनिट्रेट करके, हैंड्स एंड ईयर्स को पेनिट्रेट करके। तो हुक बॉर्म पेनिट्रेट करेंगे कहाँ पर? ये करेंगे स्किन, इसलिए फुट को पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर एंटर होने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज सर्जरी डन फॉर मायस्थेनिया ग्रेविसिस। तो मायस्थेनिया के लिए कौन सी सर्जरी की जाती है? थायमेक्टोमी, पेलिडोटोमी, सिंपैथेटोमी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सर्जरी की जाएगी मायस्थेनिया ग्रेविस के लिए वो कौन सी होगी? थायमेक्टोमी, जिसमें थायमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाएगा। कौन सा ट्रीटमेंट है मैन? थायमेक्टोमी। विच ऑफ दीज इज ट्रू रिगार्डिंग लंबर पंचर मेथड। तो लंबर पंचर मेथड को लेके सही पॉइंट्स क्या हैं? ऑप्शन में ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल टेप, नी चेस्ट पोजिशन विल बी गिवन टू पेशेंट, निडल पास्ट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा एफ डी ऑल ऑफ दी अबव। लंबर पंचर का दूसरा नाम क्या है? स्पाइनल टेप। CSF को निकालने के लिए लंबर पंचर और स्पाइनल टेप किया जाएगा। जो यहाँ पर वर्टिब्रा यूज़ की जाएगी वो थर्ड एंड फोर्थ होगी या फिर फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होगी। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। नीचेस्ट पोजीशन देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट इज डिक्रीज ग्लूकोज इन CSF सजेस्टिव आप। तो यदि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, दैट मीन्स क्या है? एनसेफेलाइटिस, वायरल मेनिनजाइटिस, ब्रेन एब्सेस या फिर बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। तो यदि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, दैट मीन्स क्या है? बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। क्या है? बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। नेक्स्ट इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइन इज। तो फेनिटोइन का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग गम, जिंजिबल हाइपरप्लासिया, कुसिनोइड अपीयरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट है ड्रग फेनिटोइन का वो क्या है? जिंजिबल हाइपरप्लासिया, जो कि ओवर ग्रोथ है गम्स टिश्यू के चारों तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? जिंजिबल हाइपरप्लासिया। नेक्स्ट इज मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ। मास्क लाइक फेस किसमें देखने को मिलेगा? मेंटल रिटार्डेशन, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर गुइलेनवार सिंड्रोम। मास्क लाइक फेस देखने को मिलेगा पार्किंसन डिसीज में। किसमें? पार्किंसन में। नेक्स्ट इज एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइनस कॉल्ड इज।
एंटीरियर कर्वेचर स्पाइन का क्या कहलाएगा, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस या फिर ऑस्टियोमलेसिया। तो एंटीरियर कर्वेचर है स्पाइन का, ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा लॉर्डोसिस। फॉरवर्ड राउंडिंग कहें तब क्या कहेंगे, काइफोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होगा, साइड वे कर्वेचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज राम, अ 32-year मेल हैज बीन एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट फॉलोइंग अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। असिसमेंट फाउंड अ पॉजिटिव कोलेंसाइन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोलेंसाइन किस में देखने को मिलेगा, हीमोथेरिक्स में, स्कल फ्रैक्चर में, पेल्विक फ्रैक्चर में या फिर रेट्रोपेनिटोनियल फ्रैक्चर में। तो जो यहाँ पर कोलेंसाइन है ये देखने को मिलेगा रेट्रोपेनिटोनियल फ्रैक्चर में, जहाँ पर अम्बिलिकल एरिया के यहाँ पर हेमरेजिक डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा इस तरीके से। इसको क्या कहेंगे हम, ग्रे टर्नर साइन या फिर क्या कहेंगे, रेट्रोपेनिटोनियल फ्रैक्चर के कारण जो साइन होगा क्या कहेंगे, कोलेंसाइन। नेक्स्ट इज एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन इफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक टू रिड्यूस। तो यहाँ पर एट्रोपिन है जो एडमिनिस्टर की जाती है इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स के असर को कम करने के लिए, तो वो कौन क्या काम करेगी, मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, नोजिया वॉमिटिंग के लिए, फिर ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो किसके लिए हम एडमिनिस्टर करेंगे, सीक्रेशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज एंटीडोट फॉर पैरासिटामॉल, तो पूरी पॉइजनिंग ओवरडोज के लिए एंटीडोट मैंने आपको कई बार पढ़ा है, एक बार आप उनको रिवाइज कर लेना। तो सिंपल क्वेश्चन है पैरासिटामॉल का एंटीडोट क्या है, ऑप्शन में नैलोक्सोन, एन एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोपिन या फिर विटामिन के। तो पैरासिटामॉल पॉइजनिंग का जो यहाँ पर एंटीडोट है वो क्या है, वो है एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्प्रिन पॉइजनिंग, यदि एस्प्रिन ओवरडोज होता है तो क्या है जो यहाँ पर इफ़ेक्ट करेगा, एस्प्रिन की पॉइजनिंग का जो यहाँ पर साइन है वो क्या होगा, रेसेस होंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर में जिसको हम टिनिटस कहते हैं, या फिर हेडेक होगा। तो एस्प्रिन पॉइजनिंग का जो साइन होगा यहाँ पर वो क्या होगा, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस यूजफुल फॉर गट, गट में क्या होगा, यूरिक एसिड का अक्यूमुलेशन होने लगता है जॉइंट्स के यहाँ पर। तो यूरिक एसिड जब अक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, तब क्या होगी, जॉइंट्स में रेडनेस होगी, पेन होगा, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी। तो उस यूरिक एसिड को बॉडी से फ्लश करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, ऑप्शन में नैलोक्सोन, पायरेजिनामाइड, एलोप्यूरिनॉल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो गट के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ होगी वो क्या होगी, एलोप्यूरिनॉल, क्या होगी, एलोप्यूरिनॉल, जो कि हाई यूरिक एसिड को ब्लड में कम करने का काम करेगी। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसका मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, 30, 47, 30 या फिर 55। तो MMSE का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है, वो होता है 30। कितना होता है, 30 पॉइंट है, जो 30 क्वेश्चनायर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं क्लिनिकल रिसर्च सेटिंग के लिए। तो यहाँ पर वो पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, साइकेट्रिक में मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट द हेयर, तो कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने खुद के बाल खींचते हैं, बड़े भी बने काम करते हैं कभी कभी, लेकिन पुलिंग आउट हेयर मतलब बच्चे अपने खुद के हेयर खींचते हैं, तो इस कंडीशन के लिए क्या कहेंगे, इमिप्रामाइन, एक्रोफोबिया, ओलेंजापाइन या फिर ट्राइकोटिलोमेनिया। तो ऐसी कंडीशन जिसमें पुलिंग आउट ऑफ योर ऑन हेयर, खुद के बाल नोचने का काम करेंगे, वो क्या कहलाता है, ट्राइकोटिलोमेनिया। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर ऑन मेंटल इलनेस इट इज कॉल्ड, यदि पेशेंट को जब अपनी खुद की बीमारी के बारे में पता ना हो तो ये क्या कहलाएगा, डिसोरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर अनकॉन्सियसनेस। मान लीजिए मुझे कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और मुझे खुद पता नहीं है, बट डॉक्टर उस चीज़ को असिस्ट कर पाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लैक ऑफ इंसाइट, क्या कहलाएगा, ये लैक ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट इज इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर गैस इज यूज फॉर इन्फ्लेशन ऑफ एब्डोमिनल वॉल, तो जो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर होता है उसमें एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट इज इन अ प्रीमिंग ग्रेविडा मदर एंगेजमेंट अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली विच वीक ऑफ जेस्टेशन. तो प्रीमिंग ग्रेविडा मदर में एंगेजमेंट कब देखने को मिलेगी, 30 से 32 वीक में, 34 से 36 वीक में, 32 से 34 वीक में, 38 से 40 वीक में. तो जो प्रीमिंग ग्रेविडा मदर होती हैं इनमें एंगेजमेंट देखने को मिलेगा 34 से 36 वीक में. कब, 34 टू 36 वीक में. नेक्स्ट इज ओरल पिल कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट. ओरल पिल से सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर. ऑप्शन में डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो ओरल पिल्स से सब कुछ होगा लेकिन ये जो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं उसको कम करने का काम है नहीं कर पाएंगी. सब होगा लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो डिक्रीज रिस्क फैक्टर का काम है नहीं कर पाएंगी. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस. तो पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. ऑप्शन में वाटरी डायरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जेली लाइक स्टूल या फिर कॉन्स्टिपेशन. तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में नॉन विलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, जेली लाइक स्टूल है इन टसुसेप्शन की सिचुएशन में देखने को मिलेगा, बट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में देखने को मिलेगी, पाइलोरिक स्टेनोसिस में. नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी. तो यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा, HCG, USG, AFP या फिर पालपेशन. तो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए वो क्या होगा, वो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी और USG. नेक्स्ट इज विच सिरिंज इज यूज फॉर फ्लशिंग द PICC, पेरीफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर को हम किस सिरिंज से फ्लश करेंगे, 1 ml, 2 ml, 3 ml या फिर 5 ml. तो ये जो यहाँ पर PICC लाइन है इसको हम किस सिरिंज से फ्लश करेंगे, 5 ml की सिरिंज से. नेक्स्ट है कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स. तो परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स के बाद कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर PID. तो यहाँ पर जो पेरिटोनियम है वहाँ पर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स के. आंसर होगा यहाँ पर पेरिटोनाइटिस. यदि जो अपेंडिक्स क्या होती है, बस्ट होती है, तो जो लाइनिंग है एब्डोमेन की पेरिटोनियम वहाँ पर इन्फेक्शन होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरिटोनाइटिस. नेक्स्ट इज मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर सेट पिचेज. तो मोरो रिफ्लेक्स के सेज में डिसअपियर होने लगते हैं 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ या फिर 3 मंथ में. जो मोरो रिफ्लेक्स का डिसअपियर पूछा है जनरली 3 महीने में क्या हो जाते हैं अपने आप ही, 3 to 4 months में क्या होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं. नेक्स्ट इज आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज फॉर फ्लूड रिप्लेसमेंट इन कैजुअल्टी फॉर एन एडल्ट पेशेंट. तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट में यदि हमें क्या करना है, फ्लूड रिप्लेसमेंट करना है, तो कौन से साइज का कैन्यूला यूज करेंगे. ऑप्शन में ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन या फिर ग्रे. तो RTA के पेशेंट में हम किस नंबर का कैन्यूला यूज़ करेंगे, तो हम ग्रीन कलर का कैन्यूला यूज़ करेंगे. यदि बेबीज़ में पूछा जाता है जनरली कि आपको जो यदि ज़्यादा फ्लूड रिप्लेस करना है कम टाइम में, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर का. यहाँ पर गॉज है जो साइज़ दी हुई है और कलर दिया हुआ है, तो आपको जनरली इनके लिए याद करना है. यदि एडल्ट पेशेंट, ओल्डर एडल्ट में कहें तो ब्लू कलर का 22 गॉज का है जो यूज़ किया जाता है. यदि ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो ग्रीन कलर का 18 गॉज का कैन्यूला है जो यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्यूला. नेजल कैन्यूला से कितनी ऑक्सीजन है जो फ्लो होगी, 1 से 4 लीटर, 5 से 8 लीटर, 1 से 3 लीटर या फिर 1 से 8 लीटर. तो जो नेजल कैन्यूला है इसकी जो ऑक्सीजन फ्लो रेट है वो कितनी होगी, वो होगी 1 to 4 liter per minute. कितनी होगी, 1 to 4 liter per minute, और अप्रॉक्सीमेटली 24 से 40% ऑक्सीजन है जो क्या करेगा, सप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन अ न्यूबॉर्न. तो न्यूबॉर्न बेबी में क्या है जो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का इंडिकेशन है, दैट मीन्स बेबी का जो फीड किया है, ब्रेस्ट फीड किया, उससे प्रॉपर उसका स्टमक भरा है या नहीं का इंडिकेशन होगा. रेस्टलेस, गुड सकिंग रिफ्लेक्स, क्राइज फ्रिक्वेंटली या फिर पासेस यूरिनेट टू 10 times per day.
तो इस कैसे पता चलेगा कि बेबी का जो पेट है ब्रेस्ट फीडिंग से क्या हुआ है, सही तरीके से है, जो पेट फुल हुआ है, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग हुई है। तो यदि बेबी फीड करने के बाद 2 घंटे तक सोता है तो वो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग माना जाएगा। यदि बेबी 8 to 12 times यूरिन पास आउट करता है तो वो है जो कंप्लीट और एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड माना जाएगा। या और ब्रेस्ट फीड के बाद इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल वेजाइनल डिलीवरी के दिन 30 मिनट और 1 आवर में। यदि ऑप्शन में 30 मिनट है तो आप मार्क कर सकते हैं, यदि सिजेरियन सेक्शन है तो 1 आवर और जो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है तो 30 मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर और एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बनते हैं, वो आता है यहाँ पर वियनिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ जब बेबी की एज 6 मंथ हो जाए तो जो फूड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वियनिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट एज और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमें 6 मंथ तक करनी होती है, देन आफ्टर वियनिंग स्टार्ट और कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अकेस गैंग्रीन फूड रिमूवल इन ओटी शेड्यूल्ड। तो गैंग्रीन फूड है यदि किसी का तो गैंग्रीन फूड को रिमूव किया जाना है तो ओटी में कौन से टाइम पर है किया जाएगा, एट द एंड, एट द बिगनिंग, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, या फिर एज पर द रोल नंबर ऑफ द डे। क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जो गैंग्रीन का केस है, गैंग्रीन का केस है तो ओटी में इस तरीके से जो गैंग्रीन होगा तो उसको हम एट द बिगनिंग ओटी स्टार्ट होने के टाइम पर ही क्या करेंगे, उसकी सर्जरी है जो परफॉर्म करेंगे। गैंग्रीन का कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया क्लोरिस्टिडियम परफ्रिंगेंस। क्या है गैंग्रीन का कॉजेटिव एजेंट, क्लोरिस्टिडियम परफ्रिंगेंस, जो कि गैस गैंग्रीन यहाँ पर नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो बैक्टीरिया है एक तरीके की गैस निकाल लेगा, रिलीज करेगा, जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया है गैस गैंग्रीन, और कॉजेटिव एजेंट है क्लोरिस्टिडियम परफ्रिंगेंस। नेक्स्ट इज एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में पेन किस क्वाड्रेंट में होगा, या फिर ये कह सकते हैं मैक बर्नी पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। या तो अपेंडिसाइटिस का पेन का लोकेशन पूछ सकते हैं तो वो होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट, या फिर मैक बर्नी पॉइंट पूछ सकते हैं तो मैक बर्नी पॉइंट और अपेंडिसाइटिस का जो पेन है वो क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट इज नोन एज। तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन, आपको यदि कोई गोल अचीव नहीं किया है तो दूसरे पर थोपेंगे, दूसरे पर वो चीज़ ब्लेम करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन या रेशनलाइजेशन। तो यदि आप अपना, आपको अपना गोल अचीव नहीं हुआ है, किसी दूसरे पर आप क्या करेंगे, अपनी है जो ब्लेम करेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज लेरेंजियल मास्क एयरवे लोकेशन। तो लेरेंजियल मास्क एयरवे की लोकेशन कहाँ है, ग्लोसाइटिस, इनफॉर्मेलिटीज, सुप्राग्लोटिक या फिर एंड्रोट्रैकियल। लेरेंजियल मास्क एयरवे कहाँ पर है, ये है सुप्राग्लोटिक रीजन में। नेक्स्ट इज विच इज द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में कौन सी मसल है जो मेजर मसल्स कही जाएगी ब्रीदिंग के लिए, सांस के लिए, ट्रपेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या फिर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो जो डायफ्राम मसल है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल है, जो कि यदि सेप पूछते तो कैसी होती है, पैरासूट सेप की रहेगी, जो कि लंग्स जब इन्फ्लेट डिफ्लेट होंगे तब प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगी, वैक्यूम का एक काम करेगी। नेक्स्ट है ब्लीरोथ फर्स्ट एंड ब्लीरोथ सेकेंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर। तो ब्लीरोथ फर्स्ट एंड सेकेंड किसके लिए है जो किए जाएंगे, सर्जिकल प्रोसीजर किसके लिए किए जाएंगे, लंग कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। तो ब्लीरोथ फर्स्ट और सेकेंड यूज़ किए जाते हैं गैस्ट्रिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ब्लीरोथ फर्स्ट जिसको हम पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी भी कह सकते हैं, याद रखना है ब्लीरोथ फर्स्ट पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी, ब्लीरोथ सेकेंड जो कि एक ऑपरेशन है इसमें भी पार्शियल गैस्ट्रेक्टॉमी होगी, लेकिन इनमें जो ऑपरेशन किया जाएगा इसमें पाइलोरस को क्या किया जाएगा,
रिमूव किया जाएगा डिस्टल डिस्टल स्टोमक से, और एनास्टोमोस कहाँ पर किया जाएगा, ड्यूडेनम में। एनास्टोमोस का मतलब है जोड़ा जाएगा, कहाँ से, पाइलोरिक पार्ट से कट करके ड्यूडेनम के यहाँ जोड़ा जाएगा। तो ये क्या है, गैस्ट्रिक कैंसर में यूज़ होने वाली सर्जरी है, ब्लूरोथ फर्स्ट एंड ब्लूरोथ सेकेंड। नेक्स्ट इज ऑप्थेलमिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट, तो ऑप्थेलमिक मेडिकेशन कहाँ इंस्टिल की जाती है, द कॉर्निया ऑफ द आई, लोअर कंजक्टिवल सैक, अपर कंजक्टिवल सैक या फ्रेज ऑफ द आई। जो ऑप्थेलमिक मेडिकेशन होती हैं ये लोअर कंजक्टिवल सैक में एडमिनिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट इज वेन वॉज द BFHI लॉन्च्ड, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में 1991, 1989, 1990 या फिर 1992। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 1991 में, WHO और यूनिसेफ ने मिलकर इसको लॉन्च किया था 1991 में, और इसकी 10 टोटल है जो पॉलिसी रखी गई थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके जनरली यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में, 1991 में आया था, WHO और यूनिसेफ ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज अ नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ चाइल्ड हु वॉज एडमिटेड विथ सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिक टू रूमेटिक फीवर। तो एक नर्स रूमेटिक फीवर है बच्चे को, उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करती है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी जो फाइंड आउट कर पाएंगे कि रूमेटिक फीवर क्यों हुआ है। ऑप्शन में है लॉस ऑफ एपिटाइट, वॉमिटिंग फॉर लास्ट 3 डेज, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 डेज बैक, या फिर रिसेंट एपिसोड्स ऑफ फेरेंजाइटिस। तो यहाँ पर रूमेटिक फीवर होने का जो मेन रीज़न है वो क्या होगा, वो होगा कि बच्चे को बार बार अलग अलग बार क्या हुआ है, फेरेंजाइटिस हुआ है, जिसके कारण रूमेटिक फीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेप थ्रोट एंड स्कारलेट फीवर, ये दोनों क्या है, फेरेंजाइटिस के कारण होगा, जो कि रिसेंट में बार बार हुआ है। ऐसा नहीं कि एक बार फेरेंजाइटिस होने से रूमेटिक फीवर हो गया हो, रिसेंट में एपिसोडिक फेरेंजाइटिस हुआ हो, जिसके कारण रूमेटिक फीवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज एड्स इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो बच्चों में एड्स कैसे है जो देखने को मिलेगी, क्रिप्टोकोकस कफिंग कॉजिंग डायरिया, रेसेस ऑन एक्सट्रीमिटीज, कापोसी सारकोमा, अपर रिकरेंट कैंडीसियासिस सीन। तो यहाँ पर बच्चों में यदि बात की जाए तो चिल्ड्रंस के एड्स के जो साइन है वो क्या है, रिकरेंट कैंडीडियासिस इन्फेक्शन, कैंडीडियासिस एल्बिकेंस का बार बार इन्फेक्शन होने से क्या है जो हम करवाएंगे, HIV टेस्ट करवाएंगे, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन ORS, तो ORS में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा ORS में वो कौन सा होगा, वो होगा NaCl और सोडियम क्लोराइड, कौन सा होगा, NaCl और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज स्किन टर्गर इन चिल्ड्रन असिस्ट डेथ, तो स्किन टर्गर बच्चों में कहाँ पर देखेंगे हम, फोरहेड में, चेस्ट में, एब्डोमन में या फिर डॉर्सम ऑफ हैंड में। तो बच्चों में स्किन टर्गर हम कहाँ पर चेक करेंगे, एब्डोमन में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द मेन प्रेजेंटिंग सिम्टम इज पेक्यूलियर ब्रेसी कफ और बार्किंग कफ, भौंकने जैसे खांसी आना या फिर पेक्यूलियर ब्रेसी कफ कहेंगे, तो एक इसमें देखने को मिलेगा और ये मेन सिम्टम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया, क्राउ या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्राउ में क्या रहेगा, बार्किंग कफ है जो इसका एक क्या है, मेन साइन है, किसका, क्राउ का, पेक्यूलियर ब्रासी कफ और बार्किंग कफ किसका साइन है, यह क्राउ का। क्राउ को लेरिंगो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस के नाम से भी जानते हैं, जनरली ये बच्चों को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बार्किंग कफ है जो किसका मेन क्लासिकल सिम्टम है, क्राउ का। नेक्स्ट इज बॉटल फीड बेबीज मोर प्रोन टू डेवलप, तो जो बॉटल फीड बेबीज़ होते हैं उनमें एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीड के क्या होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, फीवर, टाइफॉइड, मलेरिया या फिर डायरिया। तो जो बेबी बॉटल फीड करते हैं उनमें यदि हम कंपेयर करके देखें, जो बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उनके कंपेयर में बॉटल फीड बेबी को डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकियोलाइटिस इज मोर कॉमनली इन सीन इन विच एज ग्रुप, तो ब्रोंकियोलाइटिस सबसे कॉमनली किस एज ग्रुप में देखने को मिलेगा, 1 से 12 साल, 2 से 3 साल, लेस देन 2 ईयर या फिर ऑल एज ग्रुप।
तो ब्रोंकियोलाइटिस देखने को मिलेगा जिन बच्चों की एज 2 साल से कम हो इन्फेंसी पीरियड में। ब्रोंकियल जो इन्फ्लामेटरी ब्रोंकियल रिएक्शन है यंग चिल्ड्रन इन्फेंट्स उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि विंटर सीजन में सबसे कॉमन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड हु इज HIV पॉजिटिव एंड इम्यून कम्प्रोमाइज्ड। तो कौन सी वैक्सीन या फिर इम्यूनाइजेशन हम उस बच्चे को दे सकते हैं जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है और उसकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज है। HIV है तो इम्यूनिटी तो डिकम्प्रेस और कंप्रेस ही रहेगी, तो कौन सा इम्यूनाइजेशन हम देंगे? ऑप्शन में MMR, OPV, IPV या फिर रोटावायरस। तो जो यहाँ पर हम इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं वो होगा IPV। क्या होगा? IPV। वेरिसेला एंड जूस्टर वैक्सीन हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते जो हाईली इम्यूनो कम्प्रोमाइज बच्चे हैं, इनका इवन एनुअल वैक्सीनेशन भी होगा तो हम उनमें IPV है जो दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर्स की कंसल्टेशन के बाद ही। नेक्स्ट इज अ ट्रैक्यो ईसोफेगल फिस्टूला शुड बी सस्पेक्टेड इन अ न्यूनेट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। सिंपल क्वेश्चन है कि यदि ट्रैक्यो ईसोफेगल फिस्टूला है तो कौन सा साइन आप देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को ट्रैक्यो ईसोफेगल फिस्टूला है? ऑप्शन में जॉइंडिस, बाइल स्टैंड वॉमिटस, एब्सेंस ऑफ सकिंग, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्रूथी सलाइवा इन द माउथ। तो एज सून एज बेबी डिलीवर होगा उसके बाद आप कौन सा साइन देखेंगे जिससे पता चले कि बच्चे को क्या ट्रैक्यो ईसोफेगल फिस्टूला है? तो वो होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लार है, जो एक्सेसिव फ्रूथी सलाइवा है जो मुँह से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड नेम फॉर द डिसीज 100 डे कफिज। तो एक जो नाम यूज़ किया जाता है 100 दिन की खांसी, तो एक इस डिसीज़ के लिए किया जाता है? ऑप्शन में कोलेरा, TB, पर्टिसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। 100 डेज कफ और 100 दिन की खांसी किस डिसीज़ के लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पर्टिसिस के लिए। 100 डेज कफ, बूफिंग कफ और पर्टिसिस क्या है? एक ही नाम है, जो कि बॉर्डीटेला पर्टिसिस से होने वाली प्रॉब्लम है और लेस देन 2 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, और एक क्वेश्चन और बनता है कि DPT में कौन सा कंटेंट होता है? तो वो पर्टिसिस, जिन बच्चों में एक्लेम्टिक फिट्स की सीजर्स की प्रॉब्लम होती है उनमें पर्टिसिस कंटेनिंग वैक्सीन हम एडमिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि ये और ज़्यादा फिट्स लाने का कारण भी बन सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस इज ऑल एक्सेप्ट। तो PDA जो कि एक कंजनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इसको क्लोज करने के लिए सभी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में IBUPROFEN, इंडोमिथासिन, बोथ एंड बी या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है PDA के लिए वो होती है IBUPROFEN एंड साथ में इंडोमिथासिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ नहीं होती। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि PDA के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी क्लोज करने के लिए, तो वो है यहाँ पर इंडोमिथासिन एंड IBUPROFEN, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉन्टेनेल इज, तो फॉन्टेनेल को लेके सही पॉइंट क्या है? ऑप्शन में है एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज्ड एट 18 मंथ ऑफ एज, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल क्लोज्ड एट 6 to 8 वीक्स ऑफ एज, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है कि एंटीरियर फॉन्टेनेल इज नोन एज द ब्रैगमा एंड पोस्टीरियर इज नोन एज द लैम्डा, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आपके आंसर में क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। एंटीरियर फॉन्टेनेल का नाम क्या है? ब्रैगमा। पोस्टीरियर है लैम्डा। एंटीरियर फॉन्टेनेल क्या रहेगा? 18 मंथ में क्लोज होगा जनरली, और पोस्टीरियर सबसे पहले यदि क्लोज होने वाला फॉन्टेनेल पूछें तो क्या है? पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा। नेक्स्ट है यहाँ पर कंजनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द सब म्यूकोसल एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द डिस्टल इंटेस्टाइन इज नोन एज। तो कंजनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स, यदि गैंग्लियोनिक सेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ के पहले से ही क्या हैं, एब्सेंट हैं, क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन में पाइलोरिक स्टेनोसिस, हिरिस्प्रिंग्स डिसीज, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कंजनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स के लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा हिरिस्प्रिंग्स डिसीज, उसमें जो मेगा कोलोन क्या रहेगी प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, एक मिनट में प्लेसेंटा से कितना ब्लड फ्लो होगा फीटस के लिए? 2000 ml, 500 ml, 1000 ml या फिर 400 ml।
फीटल ब्लड फ्लो कहा है पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, तो टोटल होगा 500 ml। नेक्स्ट इज वॉट पॉसिबल साइड इफेक्ट मस्ट बी एडवाइज टू द पेशेंट हु इज रिसीविंग आयरन थेरेपी। सिंपल और इजी क्वेश्चन है कि जो पेशेंट आयरन थेरेपी आयरन टेबलेट ले रहा है तो कौन सा साइड इफेक्ट कॉमन होगा। डिजीनेस, डेंजर ऑफ सनलाइट, रिंगिंग इन द ईयर, ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल। तो जो पर्सन क्या ले रहे हैं, आयरन थेरेपी ले रहे हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल देखने को मिलेगा, बट ऐसे अदर साइन देखने को नहीं मिलेंगे कि डिजीनेस हो, डेंजर ऑफ सनलाइट हो, रिंगिंग रहे ईयर में। दो कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो मेनली रहते हैं, और वो जब आप आयरन थेरेपी लेना बंद कर देते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो एक तो होता है ब्लैकनिंग ऑफ स्टूल और दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट इज क्लिनिकल साइन इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक नर्स और डॉक्टर एक साइन को चेक कर रही है, तो वो क्या है यहाँ पर, फोर्थ गिल साइन, कास्टेल साइन, कार्नेट साइन या फिर ब्रुजिंस्की साइन। तो यहाँ पर पैर थोड़े से उठे हुए हैं और एब्डोमन को चेक कर रही है, तो कौन सा साइन है यहाँ पर, कार्नेट साइन। कौन सा साइन है, कार्नेट साइन, एब्डोमिनल पेन को असिस्ट कर रही है, चेक कर रही है, कौन सा साइन है यहाँ पर, कार्नेट साइन। फोर्थ गिल साइन देखने को मिलेगा कब, जब रेक्टस सी थेमेटोमा होगा। कास्टल साइन देखने को मिलेगा स्प्लीनोमेगाली को असिस्ट करने में, स्प्लीनोमेगाली को असिस्ट करने में क्या होगा, कैस्टल साइन देखने को मिलेगा। कार्नेट साइन एब्डोमिनल पेन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्ट, कार्नेट साइन जो कि एक्यूट एब्डोमिनल पेन के लिए चेक किया जाता है, फोर्थ गिल साइन में एब्डोमिनल मास वॉल को असिस किया जाता है, यहाँ पर कोई अदर तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एंड लास्ट आता है कैस्टल साइन। कैस्टल साइन स्प्लीनोमेगाली को असिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्प्लीनोमेगाली का मतलब है कि एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन में कोई एनलार्जमेंट या फिर कुछ मसल्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पर कैस्टल साइन है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ दीज इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ ईयर ड्रॉप टू पेशेंट ऑफ ओटाइटिस मीडियम। तो ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट में, तो ओटाइटिस मीडिया के लिए डायरेक्टली जो मेन फॉर्म है ईयर ड्रॉप का वो कौन सा फॉर्म है डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाएगा, आइबुप्रोफेन, ओपियम, पैरासिटामोल या फिर बेंजोकेन। तो डायरेक्टली जो आई ड्रॉप के फॉर्मेट में आएगा वो क्या है इनमें से, वो है यहाँ पर बेंजोकेन। ये जो बायवैक्स और बेंजोकेन ईयर ड्रॉप्स आएगी डायरेक्ट ईयर में इंस्टॉल की जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रिसमस और लॉकजा, राइसस सार्डोनिक अस एंड ऑप्थिलस्टोनोनस आर द फीचर्स ऑफ। तो यहाँ पर जो साइन बताए हैं ट्रिसमस, राइसस सार्डोनिक अस एंड ऑपेस्थोटोनस, ये तीनों साइन किसके हैं, ऑप्शन में प्लेग, टिटेनस, क्यू फीवर या फिर मलेरिया। तो टिटेनस में ये जो लॉक जॉ किस में देखने को मिलता है, टिटेनस में, उसी में राइसेस सार्डोनिक एंड ऑपेस्थोटोनस साइन है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टिटेनस। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इज। तो सबसे कॉमनली कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, डिमेंसिया, सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरानोइया। तो कॉमनली जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है वो होता है डिप्रेशन। कौन सा, डिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज ड्रग मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी इज। तो ओसीडी के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है, एमोक्सापाइन, डॉक्सेपिन, फ्लोक्सेटिन या फिर डोथिएपिन। तो जो कॉमनली मेडिसिन यूज़ होती है और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हो सकता है आपको ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन ना पूछी जाए, मेडिसिन का नाम दिया जाए फ्लॉक्सेटिन, जो कि ब्रांड नेम क्या है, प्रोजेक्ट एंड सेराफिम नाम से, जो कि एक एंटी डिप्रेजेंट है, SSRI कैटेगरी की मेडिसिन है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर्स क्लास की, जो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ओसीडी को ट्रीट करने के लिए, बुल्मिया नर्वोसा को ट्रीट करने के लिए, PMS को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आपको इनकेस एग्ज़ाम में मेडिसिन दी जाएगी फ्लॉक्सेटिन, कहा जाएगा कि इसका क्या यूज़ है, तो इनमें से जो ट्रीटमेंट है मेजर प्रॉब्लम्स का, उनके अलावा हो सकता है आपको एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछें,
तो आपको नाम है जो पता होना चाहिए, फ्लॉक्सेटिन, जो कि एंटी डिप्रेजेंट है, SSRI कैटेगरी की मेडिसिन है। नेक्स्ट वन इज अगोरा फोबिया इज अ फियर ऑफ, ये क्वेश्चन अभी UPPSC मेल स्टाफ नर्स में आया था। अगोरा फोबिया किससे डर लगना है, स्ट्रेंजर से, क्लोज्ड प्लेस से, अगर से, या फिर ओपन स्पेस से। तो अगोरा फोबिया का मतलब होता है ओपन स्पेस में डर लगना, बहुत ज़्यादा भीड़ में, एक्सट्रीमली क्राउड में रहने से क्या लगना, डर लगना, उसको क्या कहते हैं, अगोरा फोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस में डर लगना। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग फूड ग्रुप इज द मोस्ट प्रेफर्ड फूड ग्रुप बाय प्रेग्नेंट मदर, तो जो प्रेग्नेंट मदर है उसके लिए कौन सा फूड ग्रुप है जो प्रेफर किया जाएगा। हाई फैट एंड लो प्रोटीन, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड लो फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट, तो कौन सी डाइट है जो कि प्रेग्नेंट मदर के लिए प्रेफर की जाएगी, तो वो होगी हाई प्रोटीन होना चाहिए डाइट में और लो फैट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट। नेक्स्ट वन इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटस। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब है कि मदर से फीटस में होने वाला जो इन्फेक्शन है वो किस में आएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन में। तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो यूज़ की जाएगी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को हम रोक सकें HIV के लिए। ऑप्शन में इंडेनाविर, लैमिडियोविडिन, निविरापाइन या फिर जिडोविडिन। तो यहाँ पर जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वर्टिकल ट्रांसमिशन रोकने के लिए मदर से फीटस में, वो क्या होगी, निविरापाइन। जिडोविडिन भी एक ART मेडिसिन है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की मेडिसिन है HIV के लिए, बट यदि वर्टिकल ट्रांसमिशन पूछे तो हमें मार्क क्या करना होगा, निविरापाइन। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्सड विथ ब्लड इज कॉल्ड, तो एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस प्लग का ब्लड के साथ में आना क्या कहलाएगा, बैग ऑफ वाटर, सर्वाइकल सीक्रेशन, सो या फिर ब्लीडिंग पर वजाइना। तो यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस आ रहा है ब्लड के साथ, तो ये क्या कहलाता है, ब्लडी सो, क्या कहलाता है, ब्लडी सो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सो। नेक्स्ट वन इज पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट ऑन एब्डोमिनल पालपेशन अकरिंग एवरी 15 मिनट्स रिफर्सेस, तो पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं जब आप एब्डोमेन को पालपेट करते हैं तो हर 15 मिनट में आते हैं, तो ये क्या है, क्विकनिंग, ओसिएंडर साइन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग लाइन देखी, फर्स्ट लाइन, यदि ये पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते तब ये ट्रू लेवर पेन में आते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेनलेस है बट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, एवरी 15 मिनट्स में आ रहे हैं, एब्डोमिनल पालपेशन के टाइम पर आपको फील हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ PPH। PPH से आपको दो या तीन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, मैनेजमेंट, क्या कॉज है, प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्ट पार्टम हेमरेज। और सबसे ज़्यादा जो इंडिया में डेथ होती हैं वो किसके कारण होती हैं, हेमरेज के कारण, फिर वो IPH हो सकता है, PPH हो सकता है, तो यहाँ पर, या फिर APH हो सकता है, एंटी पार्टम हेमरेज। तो बट हेमरेज क्या है, इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल डेथ का, तो यहाँ पर PPH को जो ड्रग ऑफ चॉइस ली जाएगी वो कौन सी होगी, तो ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिथार्जिन या फिर एस्ट्रोजन। जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए वो क्या है, ऑक्सीटोसिन, कौन सी है, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ द यूट्रस बिकम्स बॉगी आफ्टर 1 आवर ऑफ डिलीवरी द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द मिडवाइस वुड बी, तो यदि डिलीवरी के 1 घंटे के बाद यदि आप देखते हैं तो यूट्रस कैसी है, बोगी, बहुत ही फूली फूली सी आपको दिख रही है, तो आपका इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा एज अ मिडवाइफ, चेक द ब्लड प्रेशर, नोटिफाई द फिजिशियन, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग या फिर मसाज द यूट्रस। तो ऐसे केस में एज अ मिडवाइफ आप क्या करेंगे, यूट्रस आपको बोगी टाइप से दिख रही है तो डिलीवरी का 1 घंटा हो गया है, तो आप क्या करेंगे, यूट्रस की मसाज करेंगे जिससे इन्वर्जन होने के चांसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। यदि बॉगी यूट्रस है तो आपको कंटिन्यूसली मसाज करना है, यूट्रोटोनिक जो मेडिसिन है ऑक्सीटोसिन है उसको एडमिनिस्टर करना है जिससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए और जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाए, प्रॉपर तरीके से डिटैच हो जाए और बाहर आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे केस में आपको क्या करना है, मसाज द यूट्रस।
नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर. तो अपगार स्कोर दो बार चेक की जाती है, एक तो बेबी डिलीवर होने के विद इन 1 मिनट और दूसरी आफ्टर द 5 मिनट. तो अपगार स्कोर के कौन से पॉइंट्स यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन में है कलर ऑफ द बॉडी, हार्ट रेट परमिनेंट, रेस्पिरेटरी परमिनेंट या फिर मसल टोन. तो अपगार स्कोर में हम क्या चेक नहीं करते हैं? तो अपगार स्कोर में हम रेस्पिरेटरी इफर्ट चेक करेंगे, ना कि रेस्पिरेटरी रेट. क्लियर? अपगार स्कोर में रेस्पिरेटरी रेट हम चेक नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी इफर्ट चेक करते हैं. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी. अब अपगार स्कोर की खोज किसने की थी? तो वर्जीनिया अपगार ने. इसका यदि 8 से ज़्यादा पॉइंट आते हैं, दैट मीन्स क्या है, बेबी फुली हेल्दी है, कोई भी डिप्रेशन की सिचुएशन नहीं है. अपगार स्कोर में अपीरेंस मतलब स्किन का कलर, पल्स रेट और हार्ट रेट, ग्राइमेसी, एक्टिविटी टोन और रेस्पिरेटरी इफर्ट चेक किया जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पर चेक नहीं की जाएगी. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो. नेक्स्ट वन इज कॉमनली यूज्ड सेंट इन हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट. तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि CSF है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका ऑक्यूमुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. तो हाइड्रोसेफेलस के मैनेजमेंट में कौन सा सेंट है जो यूज़ किया जाएगा? वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, वेंट्रिकुलो पेरिकार्डियल या फिर वेंट्रिकुलो प्लूरल. तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सेंट जो कौन सा है हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट के लिए, तो वो है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट, VP सेंट जिसको हम कहेंगे. इसमें जो CSF क्या हो रहा है, ड्रेन आउट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर एक हॉलो स्पेस दे के ब्रेन के यहाँ पर, वेंट्रिकल्स के यहाँ पर VP सेंट के थ्रू जो एक्स्ट्रा फ्लूड है, एक्स्ट्रा CSF है, उसको कहाँ लाया जाएगा, पेरिटोनियम कैविटी में लाया जाएगा. तो पूरी सेंटिंग प्रोसेस क्या कहलाती है, VP सेंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट. और ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मैनेजमेंट है किसके लिए, हाइड्रोसेफेलस के लिए. जब मेडिसिन के थ्रू ये ट्रीट ना हो पाए, तब VP सेंट के थ्रू हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज इन एल्कोहलिज्म विच काइंड ऑफ क्वेश्चनायर मेथड इज यूज्ड. तो एल्कोहलिज्म में कौन सी क्वेश्चनायर मेथड यूज की जाती है, केज, PET, MMSE या फिर ALL. तो एल्कोहलिज्म के पेशेंट में क्वेश्चनायर मेथड यूज होती है, उसका नाम क्या है, केज क्वेश्चनायर. केज का फुल फॉर्म क्या है, पर कट डाउन अनॉयड गिल्टी और आई ओपनर. दैट मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन किए जाएंगे केज क्वेश्चनायर में, हैव यू एवर फेल्ट यू शुड कट डाउन ऑन योर ड्रिंकिंग. आपको कभी ऐसा फील हुआ कि आप अपनी जो ड्रिंकिंग की हैबिट है इसको स्टॉप करें, कट डाउन करें? हैव पीपल अनॉयड यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग. आपको लोग अनॉयड करते हैं या फिर परेशान करते हैं या फिर चिढ़ाते हैं कि आप ड्रिंकिंग करते हैं? एवर फेल्ट बैड और गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग. आपने कभी आपकी शराब पीने पर कभी गिल्ट फील किया या बैड फील किया या नहीं? एवर हैड एन आई ओपनर टू स्टेडी नर्व्स इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर यदि मोर देन टू, यदि यहाँ पर ये चार चीज़ें पूछी गई, तो यदि मोर देन टू आता है, दैट मीन्स आप एल्कोहल अब्यूज़ और डिपेंडेंसी को लेके क्या कर रहे हैं, क्विट करने के लिए रेडी हैं. तो यहाँ पर केज क्वेश्चनायर किसके लिए किया जाता है, एल्कोहलिज्म के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रेमर्स रूल इज यूज्ड फॉर. तो क्रेमर्स रूल किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में एस्पेक्सियर, बर्न, एंटेरोकोलाइटिस या फिर जॉइंटिस. तो क्रेमर्स रूल यूज़ किया जाता है जॉइंटिस के पेशेंट में. कितना लेवल जो ब्लूरोबिन सीरम ब्लूरोबिन का लेवल है वो कितना है, तो उसको असिस करने के लिए क्या प्रोग्रेशन है सीरम ब्लूरोबिन लेवल बढ़ने की, तो वो चीज़ें यहाँ पर क्रेमर्स रूल में चेक की जाती हैं. रिलेशनशिप बिटवीन सीरम ब्लूरोबिन लेवल एंड द प्रोग्रेशन ऑफ स्किन डिस्कलरेशन. तो क्रेमर्स रूल पता है जॉइंटिस में होगा, लेकिन ये क्या चेक करने के लिए होगा कि जो सीरम ब्लूरोबिन का लेवल है, जैसे जैसे सीरम ब्लूरोबिन का लेवल बढ़ रहा है, तो जो स्किन का डिस्कलरेशन है येलोइश टाइप से, वो किस टाइप से बढ़ रही, प्रोग्रेशन हो रही है, वो चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी. हेड एंड नेक के लिए 1 लेवल, अपर ट्रंक के लिए 2 लेवल, लोअर ट्रंक एंड थाई के लिए 3 लेवल, आर्म्स एंड लोअर लेग के लिए 4 और पाम्स एंड सोल्स के लिए 5. तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि ब्लूरोबिन का लेवल और प्रोग्रेशन ऑफ स्किन डिस्कलरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप रहेगा, वो क्रेमर्स रूल के थ्रू डिस्क्राइब किया जाएगा. और एक स्क्रीनिंग टूल है हेल्थ वर्कर के लिए, एक प्राइमरी ट्रेंड हेल्थ वर्कर के लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी टूल हो जाएगा, जिससे पता कर सकें कि किस लेवल तक जॉइंटिस हो चुका है. नेक्स्ट वन इज इन द न्यू बॉर्न
वाइट इज लेयर ओवर द स्किन इज कॉल्ड. न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पर वाइट कलर की लेयर होगी ये क्या कहलाएगी? ऑप्शन में म्यूकोसा, वर्निक्स सिजोसा, मेकोनियम या फिर वियनिंग. तो मेकोनियम बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है. वियनिंग आफ्टर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद बेबी में जो फूड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वो क्या कहलाएगा? वियनिंग कहलाएगा. और जो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी की बात हो रही, पूरी स्किन पर एक लेयर है वाइट कलर की, तो क्या है? वर्निक्स सिजोसा, जो कि बैक्सी और चीज़ लाइक जो वाइट कलर से सब्सटेंस होगा, कोटिंग होगी पूरी स्किन पर, उसको क्या कहेंगे? वर्निक्स सिजोसा. नेक्स्ट वन इज चाइल्ड हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी नीड टू अवॉइड. तो जिन बच्चों को कीमोथेरेपी दी जा रही है उनको क्या अवॉइड करना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, अवॉइडेड क्राउडेड प्लेस, रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलाई इन देयर एनवायरमेंट. कीमोथेरेपी होती है उनके लिए क्या अवॉइड करना चाहिए ऑप्शंस में से? तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड हो जाएगी, तो ऐसे केस में बच्चों को क्या करना चाहिए? क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना चाहिए जिससे और ज़्यादा इन्फेक्शन का चांसेस ना बढ़े. तो इसीलिए आपको क्या करना है? अवॉइडेड द क्राउडेड प्लेस. नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ इमेज इज सीन. तो यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, आपको बताना है कि ये है क्या. इमेज को आप ध्यान से देखिए, जो इमेज दिख रही है आपको ये है क्या. ऑप्शन में DVT पंप, कार्डियक मॉनिटर, CPAP मास्क या फिर नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर जो दिख रहा है क्या है, ये DVT पंप. क्या है? DVT पंप, जो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा. तो ये क्या है यहाँ पर, है DVT पंप. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस इक्विपमेंट विच इज सीन इन इमेज. तो यहाँ पर एक इक्विपमेंट दिख रहा है, आपको बताना है कि यह है क्या. ऑप्शन में है यहाँ पर ECG, ECT, EEG या फिर नन ऑफ दी अबव. आपने तीनों मशीनें देखी हैं, ECG भी देखी है एंड ECT भी देखी है और EEG भी देखी है. तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और, तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह है क्या. तो यहाँ पर जो मशीन आपको दिख रही है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. कौन सी मशीन है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी. और जो अदर ऑप्शन थे यहाँ पर ECG, ये रही कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए और ये रही EEG. नेक्स्ट इज बटरफ्लाई रेसेस इज सीन इन. तो बटरफ्लाई रेसेस किस में देखने को मिलेंगे? सिफिलिस में, सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस में, TB में या फिर मीजल्स में. बटरफ्लाई रेसेस का मतलब आँखों के नीचे चीक्स के यहाँ पर कुछ रेसेस देखने को मिलेंगे, तो किस में देखने को मिलेंगे? सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, जिसमें आपका खुद का ऑन इम्यून सिस्टम आपके खुद के टिश्यूज़ पर अटैक करेगा. तो SLE में इस टाइप से जो रेसेस देखने को मिलेंगे, जिनको क्या कहा गया है यहाँ पर? बटरफ्लाई रेसेस. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च द थिंग्स दैट आर बिलीव्ड बाय रिसर्चर टू बी ट्रू आर नोन एज. तो रिसर्च के स्टार्टिंग के टाइम पर ही जो रिसर्चर है उसको क्या लगता है कि ये चीज़ें सही होगी, तो वो क्या होंगे? हाइपोथीसिस, पायलट स्टडी, वेरिएबल्स या फिर अजम्पशंस. तो रिसर्च में जो रुकावट आती हैं वो तो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स. बट यहाँ पर रिसर्चर को जो चीज़ें बिलीव होती हैं कि बिल्कुल सही है, तो ये क्या है यहाँ पर उसके अजम्पशंस. क्या हैं अजम्पशंस? कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन ये बिना किसी प्रूफ के वो चीज़ कहेगा. वेरिएबल्स ऐसे हैं कि हर एक टाइम पर अलग अलग तरीके से चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट इज वीकनेस ऑफ द एंटायर रिसर्च स्टडी इज नोन एज. तो रिसर्च स्टडी की वीकनेस इनमें से क्या होगी? वेरिएबल्स, हाइपोथीसिस, लिमिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो आपकी इनमें से वीकनेस क्या होगी? आपकी वो होगी लिमिटेशन. कुछ चीज़ों लिमिट में रहेंगी या फिर आप उनको और आगे जाके सर्च नहीं कर सकते हैं, तो क्या होंगी यहाँ पर? लिमिटेशन. नेक्स्ट है यहाँ पर द अ फैक्टर दैट प्रोहिबिट अ डायरेक्ट स्टडी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज. तो कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्ट स्टडी से आपको प्रोहिबिट करेगा या फिर रोकेगा? ऑप्शन में टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो आपको टोटल पॉपुलेशन पर यदि कोई स्टडी करनी है तो कॉस्ट, पैसा भी ज़्यादा चाहिए, टाइम भी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी होगा यहाँ पर. आंसर में क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पोर्सन ऑफ द पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी इज नोन एज. तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पोर्सन ऑफ द पॉपुलेशन. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पॉपुलेशन का एक हिस्सा हमें सिलेक्ट करना है जो कि रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करेगा, वो क्या कहलाएगा?
ऑप्शन में सैम्पलिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस या फिर प्लानिंग। तो पॉपुलेशन का एक पोर्शन, ऐसा नहीं पूरी एक हिस्सा हमें सिलेक्ट करना है पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी रिसर्च स्टडी में, वो क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग। नेक्स्ट वन इज द रिसर्च अप्रोच इज विच रिसर्चर हैज़ नो अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट अमाउंट ऑफ डेटा। तो कौन सी रिसर्च है जिसमें रिसर्चर के पास से अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, मौका नहीं होगा कि जो डेटा उसको मिला है वो उसको मैनिपुलेट कर सके। ऑप्शन में सर्वे, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सर्वे में आप डेटा क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं यदि ज़्यादा लोगों पर सर्वे करते हैं तो। एक्सपेरिमेंटल में आप बार बार उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी आपका डेटा चेंज होगा, लेकिन जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें होंगी, हिस्टोरिकल होंगी, उसमें रिसर्चर हो या आप हैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। रिसर्च डिज़ाइन में क्या एक इसका यही एक या तो हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं कि इसमें हम किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन टूवर्ड्स स्मॉल फैमिली नॉर्म्स द बेस्ट मेथड इज। रूरल पॉपुलेशन में स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, मतलब हम दो हमारे दो टाइप से आपको यदि कुछ समझाना है तो बेस्ट मेथड कौन सी होगी, फिल्म शो, रोल प्लेइंग, टेलीविज़न या फिर चार्ट शोइंग। तो यदि आपको रूरल पॉपुलेशन में गांव के एरिया में जाना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में बताना है कि दो बच्चे सबसे अच्छे, इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे या समझाएंगे, तो इस चीज़ को आप रोल प्ले करके पूरा ड्रामा है जो सामने शो करके उनको प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रिटेनिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंसेस नोन एज। तो रिटेनिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर में जो कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण है, तो ये क्या है, एजुकेशन है, लर्निंग है, एप्टीट्यूड है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो ये चीज़ें क्या है, ये है आपकी लर्निंग जो आपकी प्रीवियस चीज़ों के कारण आपने सीखी हैं। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग। तो इनमें से टीचिंग की कौन सी मेथड नहीं है। ऑप्शन में सेमिनार, डेमोन्स्ट्रेशन, इवैल्यूएशन या फिर कॉन्फ्रेंस। तो आप सेमिनार दे सकते हैं, कुछ ऐसी मेथड्स होती हैं जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना होगा, जैसे आप आईवी कैनुला लगाना है तो आप उसको सेमिनार से नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे, कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप बता सकते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन टीचिंग की मेथड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन एन इंटरव्यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच गिव द कम्प्लीट फ्रीडम द रिस्पोंडेंट्स टू फ्रेम देयर आंसर्स इज। तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें जो यदि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और आपको फ्रीली रखा जाता है कि आप अपना जो भी आंसर देंगे उसके लिए फ्री है, तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ओपन एंडेड, MCQs या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरी फ्रीडम दी गई है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें आपको अपना आंसर येस और नो में नहीं बल्कि एक पूरा पैराग्राफ के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हैं। MCQ और ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आपको पर्टिकुलर येस और नो, क्लोज एंडेड में येस और नो में आंसर देना होगा, MCQ में और ऑब्जेक्टिव बेस्ड में आपको कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करना होगा। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस नोन एज। तो बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कम्युनिटी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन या फिर एसोसिएशन। तो पर्टिकुलर काम के लिए आप इकट्ठे होते हैं तो ये क्या कहलाएगा, एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है एक्सोगैमी। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में जितने पेपर हो रहे हैं एंडोगैमी और एक्सोगैमी ये दोनों आ रहे हैं। तो एक्सोगैमी का मतलब होता है कि मैरिज आउटसाइड द कम्युनिटी, क्लैन और ट्राइब। एंडोगैमी का मतलब होता है अपनी खुद की कास्ट में, ग्रुप में शादी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट नेम डिड फ्रूट गिव हिज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच कंप्राइज आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो सिगमंड फ्रूट ने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने आईडी, ईगो और सुपर ईगो को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो ये कौन सा मॉडल था, जेनेटिक मॉडल, अनकॉन्सियस मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल या फिर ग्राफिकल मॉडल। तो सिगमंड फ्रूट ने जो अपना आईडी, ईगो, सुपर ईगो एक्सप्लेन किया था, किस मॉडल में किया था, स्ट्रक्चरल मॉडल में। नेक्स्ट इज इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग वाइट इज। डॉग वाइट के लिए इमीडिएट और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है। ऑप्शन में सूचर द बिग बुंड, कवर विथ ड्रेसिंग, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स या फिर अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन।
तो इमीडिएट और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है डॉग वाइट के लिए कि जिस भी जगह काटा है वहाँ पर पानी से कंटिन्यूसली 15 मिनट्स तक वॉश करना है। नेक्स्ट इज द कलर यूज फॉर टैगिंग अ डेड बॉडी। डेड बॉडी को टैग करने के लिए कौन सा कलर यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन में पिंक, येलो, ब्लैक, वाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेड बॉडी को ब्लैक कलर के हार्ड तरीके का जो एक गत्ता रहेगा उससे टैग किया जाता है। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी वर्कर कैटर्स टू विच साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन के लिए रखी जाती है? तो रखी जाती है 1000 पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट्स एब्डोमन, विच एग्जामिनेशन टेक्निक यूज्ड शुड बी यूज द फर्स्ट। यदि आप पेशेंट का एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो कौन सी टेक्निक पहले करेंगे? ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकसन या फिर इंस्पेक्शन। तो आप यदि असेसमेंट करते हैं एब्डोमिनल असेसमेंट, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे? इंस्पेक्शन। क्या करेंगे यहाँ पर आप? इंस्पेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में एक क्या डिफरेंस है? डेफिनेट लोकेलिटी, सेंटीमेंट्स ऑफ वननेस, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, लिंकनेस ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो एक कॉमन एलिमेंट है जो कि डिफर करेगा वो होगा डेफिनेट लोकेलिटी। क्या होगी? डेफिनेट लोकेलिटी। नेक्स्ट वन इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीएससी एग्जाम में भी आया है 10 तारीख को ये क्वेश्चन, हरियाणा जो एचपीएसएसबी का पेपर उसमें भी आया है, मेंटल रिटार्डेशन में आईक्यू लेवल पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द आईक्यू लेवल इन प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। यदि प्रोफाउंड लास्ट स्टेज की मेंटल रिटार्डेशन है तो कितना आईक्यू होगा? 50 to 75, 35 से 50, 20 से 35 या फिर लेस देन 20। तो जो आईक्यू लेवल प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में होगा वो होगा लेस देन 20। माइल्ड कहेंगे जिसको हम एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन कह सकते हैं, तो 50 से 70, 50 to 70 आईक्यू रहेगा जो कि एजुकेबल है। दूसरा होता है मॉडरेट, इसको ट्रेनेबल, जिसको हम ट्रेंड करके ठीक कर सकते हैं, तो वह 35 से 50 रहेगा। सीबियर जो कि डिपेंडेंटली रिटायर्डेड आएगा, तो 20 से 35, लेस देन 25, जिसमें हमें लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आईक्यू लेवल लेस देन 70 जाता है दैट मीन्स मेंटल रिटायर्डेशन है। यहाँ पर मेंटल रिटायर्डेशन का फॉर्मूला एग्जाम में आता है, तो क्या है? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इफ द हेड नर्स कमिट्स एन एरर इट्स कॉल्ड। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पर यदि हेड नर्स कुछ कमिट्स करती है और एरर करती है तो ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल टेंडेंसी एरर, हेलो इफेक्ट, हॉर्न्स इफेक्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये कहलाएगा हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट इज कंप्रेशन ऑफ ब्लीडिंग कैरोटिड आर्टरी इमीडिएटली लीड्स टू। तो यदि कैरोटिड आर्टरी में ब्लीडिंग होती है तो ये क्या होने के चांसेस ज़्यादा होंगे? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक या फिर डायरिया। तो कैरोटिड आर्टरी में ब्लीडिंग के कारण या फिर थ्रोम्बस के कारण मोस्ट कॉमन होने के चांसेस होते हैं वो क्या होता है? स्ट्रोक, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड की सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज पुलिसमैन टिप हैंड इज सीन इन। तो पुलिसमैन टिप हैंड किस में देखने को मिलेंगे? एक्जिलरी नर्व इंजरी, अर्ब पाल्सी, रिस्ट ड्रॉप या फिर नन ऑफ दी अबव। पुलिसमैन टिप पॉर्टर ट्रिप्स हैंड किस में देखने को मिलते हैं? अर्ब पाल्सी में, जिसमें एक्टिव फ्लेक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बाइसेप्स, ब्रैकियल्स और ब्रैक्योरेडियल्स जो आर्टरी मसल्स हैं उनके कारण। नेक्स्ट इज द इन बेवर टेस्ट एंड ड्रेने टेस्ट क्रैनियल नर्व एग्जामिन्ड एज। तो बेवर टेस्ट और ड्रेने टेस्ट में कौन सी क्रैनियल नर्व एग्जामिन की जाती है? ऑप्शन में क्रैनियल नर्व 1st, 2nd, 8th या फिर 7। तो बेवर टेस्ट और ड्रेने टेस्ट इसमें कौन सी क्रैनियल नर्व एग्जामिन होती है? तो इसमें बेस्टिवो कोक्लियर जो हियरिंग और बैलेंस के लिए हेल्पफुल है, 8वें नंबर की क्रैनियल नर्व। तो बेवर और ड्रेने टेस्ट में क्या चेक किया जाता है? आपका सुनने की क्षमता, कान है जो असेस किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अ डायनामिक एंड पर्पसफुल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल हु अप्रोच सम म्यूचुअली डिफाइंड प्रॉब्लम्स विथ म्यूचुअल कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इट्स कॉल्ड। तो एक डायनामिक और पर्पसफुल रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में जो अपनी प्रॉब्लम है जो दूसरे को बताते हैं, तो ये क्या है? सुपरविजन, काउंसलिंग, बजटिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो डायनामिक भी है, पर्पसफुल भी है, तो ये क्या है? एक तरीके की काउंसलिंग। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वॉज प्रपोज्ड बाय।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन में टर्मेन, जीन पियागेट, बेनेट या फिर नानाप्ती अबव। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी थी किसने? जीन पियागेट ने, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेज हैं जो यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वॉज डिस्क्राइब बाय। तो मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल किसने डिस्क्राइब की थी? लुईस पाश्चर ने, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच या फिर नानाप्ती अबव। तो सबको पता है कि मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल किसने दी थी? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट इज ट्रेंच फीवर इज कॉज्ड बाय। तो ट्रेंच फीवर का कॉजिटिव एजेंट है बॉटनेला क्वाइंटेना। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिसीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है आपका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेक्शन से ऐड हो जाएगा, है एक्चुअल में कम्युनिटी का भी और माइक्रोबायोलॉजी का भी। तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्षमता जो डिसीज को प्रोड्यूस कर सके वो क्या कहलाएगी? इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, इन्वेजिवनेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्षमता डिसीज को कॉज कर सके, एबिलिटी, वो क्या कहलाएगी? पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट इज डिगोक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग। तो डिगोक्सिन हमें कब नहीं देनी है? जब पेशेंट को क्या हो, हाइपोटेंशन हो, टैकीकार्डिया हो, ब्रेडीकार्डिया हो या फिर हाइपरटेंशन हो। डिगोक्सिन विथहेल्ड की जाती है, हम नहीं दे सकते जब ब्रेडीकार्डिया हो, स्लो हार्ट रेट हो, लेस देन 60 बीट पर मिनट हो, तब हमें जो डिगोक्सिन नहीं देना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का केमिकल नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ASA, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट इज विच ड्रग में कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन में पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरमफेनिकॉल। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन कॉज करता है? तो वो है क्लोरमफेनिकॉल। रेड मैन कौन करता है? वैंकोमाइसिन। ये देखिए बेबी का कलर है जो ग्रे कलर से आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी रिकमेंडेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस इन द वुंड्स लेस देन 6 आवर ओल्ड, क्लीन, नॉन पेनिट्रेटिंग विथ नेग्लिजिबल टिश्यू, डैमेज फॉर कैटेगरी सी इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ऑप्शन में नथिंग मोर रिक्वायर्ड, टॉक्साइड वन डोज, टॉक्साइड कंप्लीट डोज, टॉक्साइड वन डोज एंड ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन। तो लेस देन छः घंटे हुए हैं टिटनेस टॉक्साइड कुछ भी नॉन पेनिट्रेटिंग है, नॉन नेग्लिजिबल टिश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर और कैटेगरी सी का इंडिविजुअल है। मैंने यहाँ पर क्या है, कैटेगरी सी इंडिविजुअल। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना और आप अपने कमेंट जरूर लिखना कि आज की क्लास कैसी लगी। आप लोग चाहते हैं कि डेली आपको 2 से 2.5 घंटे की क्लास करवाई जाए जिससे आपका एज सून एज 16th को ही परसों ही आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।